मंच पे विराजमान अतिथिगण, मैट्रिक्स एकेडमी, मैट्रिक्स एजुकेशन ग्रुप सीकर के डायरेक्टर सर, अन्य अतिथिगण, अभिभावकों और प्यारे बच्चों, आप सभी को मैट्रिक्स परिवार की तरफ से मैं राजेंद्र सुथार सादर प्रणाम करता हूं। आप सभी का मैट्रिक्स ओलंपियाड 2022 के फेलिसिटेशन प्रोग्राम ये प्रतिभा सम्मान समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैट्रिक्स ओलंपियाड के बारे में डिटेल में अपन बाद में चर्चा करेंगे, थोड़ी सी इसकी रूपरेखा आपको बता देता हूं। मैट्रिक्स ओलंपियाड 2022 का भिवानी और चरखी दादरी जिले के जो प्रतिभाएं हैं, जिन्होंने नेशनल और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उच्च लेवल की, हाईएस्ट लेवल की पिनेकल परफॉर्मेंस जिन्होंने जी है, उन सारे प्रतिभाओं को, भिवानी और चरखी दादरी जिले की प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए मैट्रिक्स परिवार आपके बीच में पधारा है। चूंकि यह शैक्षणिक कार्यक्रम है और शैक्षणिक कार्यक्रम की अनुमति हमें मां सरस्वती से लेनी होती है, सबसे पहले इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन करके हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और मां सरस्वती को दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा मैट्रिक्स एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर अनुपम अग्रवाल सर, विष्णु पारिक सर हमारे बीच में उपस्थित हैं, हरियाणा पुलिस के DSP साहब परमजी सामोता सर हमारे बीच में उपस्थित हैं, श्री विजय पहलवान जी आप नाथुआ से सरपंच हैं, श्री सोनू शर्मा जी आप डायरेक्टर स्टार साइंस एकेडमी हैं, श्रीमती विजय लक्ष्मी जी आप प्रिंसिपल SSD सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी से। आप सभी अतिथियों से मेरी गुजारिश है कि कृपया मंच पे आए, और मैम भी साथ में है DSP साहब के धर्मपत्नी जी, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया आप मंच पे आए और मां सरस्वती के दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति लें। प्लीज सर, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत सभी अतिथियों का। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां सभी अतिथियों के लिए।
मैट्रिक्स ओलंपियाड के भिवानी और चरखी दादरी जिले के जो प्रतिभाओं को हम सम्मानित करने जा रहे हैं, मैं आपको ये बताऊं कि हम बिल्कुल बताना चाहूँगा कि हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में हम उन्हीं के जिले में उन्हीं की प्रतिभाओं को उन्हीं के अपनों के बीच में सम्मानित कर रहे हैं। ये श्रृंखला हम लोग ने सिरसा से शुरुआत करी थी इसकी। आप सब विद्यार्थियों ने मैट्रिक्स ओलंपियाड का फॉर्म फिल किया, ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, तो स्वाभाविक सी बात है आपने वेबसाइट देखी होगी। फिर भी इसकी मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ओलंपियाड के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मैट्रिक्स एजुकेशन ग्रुप की स्थापना मैट्रिक्स एकेडमी के रूप में 2014 में हमने की थी। IITN का ग्रुप, IITN दोस्त थे, उनका गिविंग बैक टू द सोसाइटी, अपने आसपास के लोग उनको उन्हीं की जगह वही एक आसपास में ही एक IIT का एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट मिल सके, प्रिपरेशन मिल सके, जिसलिए कि उनको दूसरी जगह पे ना जाना पड़े और एक उच्च लेवल की क्वालिटी एजुकेशन उनको वहाँ पे मिले। इस थॉट के साथ में जब IIT फर्स्ट ईयर में ये जब दोस्त थे उसी टाइम में इसकी नींव पड़ चुकी थी। 2014 में इसका विधिवत उद्घाटन हुआ, शुरुआत हुई। शुरुआत हमने IIT की प्रिपरेशन के साथ में की थी। पहले ही वर्ष शेखावाटी रीजन के सारे रिकॉर्ड, ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस देते हुए हमने 3 साल तक IIT में लगातार परफॉर्मेंस देने के बाद में अभिभावकों और बच्चों की रिक्वेस्ट आई, सजेशंस आए कि सर जिस लेवल का आपने IIT की प्रिपरेशन का इंस्टीट्यूट बनाया है उसी लेवल का स्कूल भी अगर आप बनाएं तो हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। सारे अभिभावकों का सुझाव ध्यान में रखते हुए हमने 2018 के अंदर मैट्रिक्स हाई स्कूल की स्थापना की। NTSC, STSC, IJSO इन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम्स में स्कूल के प्री फाउंडेशन बैच के तहत प्री फाउंडेशन के स्टूडेंट्स ने स्कूल में रहते हुए परफॉर्मेंस दी। उसके बाद में अभिभावकों का सहयोग तो निरंतर मिलता रहता था, अभिभावकों के फिर सुझाव मिलना शुरू हुए कि सर स्कूल में और JEE में आप इतनी शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप नीट में भी आए। तो फिर उसके बाद में हमने नीट की स्थापना करी। लेकिन ये सारे नीट में भी हम बच्चे स्टूडेंट देश के नामी गिरामी कॉलेज में बच्चे भेज रहे थे, स्टूडेंट्स जा रहे थे हमारे IIT में भी, स्कूल में रिकॉर्ड्स शानदार परफॉर्मेंस जा रही थी। तो उसके बाद में हम खुद बैठे हुए थे, ये जो मैट्रिक्स ओलंपियाड जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई कि एक्चुअली में जो CSR एक्टिविटी है, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि समाज ने हमको इतना दिया, हमने समाज को क्या दिया। क्योंकि इस दरमियान हमारे सामने बहुत सारी ऐसी बातें निकल के आई कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी पृष्ठभूमि जो है उनकी टांग खींचती है। अभी भी हम में से बहुत सारे बच्चे अभिभावक ऐसे बैठे होंगे जिनको ये लगता है कि भाई ये जो हमारी पृष्ठभूमि है ये IIT और IIM और ये MBBS के जो ना AIIMS और ये हमारे लिए नहीं बने, इतनी इनकी फीस कौन भरेगा, कौन इतना रहने का खर्चा उठाएगा, कौन इतनी कॉलेजेस की फीस देगा। तो मैट्रिक्स ओलंपियाड ने आपको ये प्लेटफॉर्म दिया कि पांचवी से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चे इस एग्जाम में ना केवल 100% स्कॉलरशिप ले सकते हैं बल्कि आप बहुत छोटी सी उम्र में नेशनल इंटरनेशनल लेवल के एक्सपोजर ले सकते हैं। क्योंकि इसमें फॉरेन टूर भी 100% स्कॉलरशिप के अलावा कैश प्राइज भी था और फॉरेन टूर भी है। फॉरेन टूर भी हमने हर साल रखा है, इसमें लंदन, पेरिस या सिंगापुर में से किसी जो भी वीजा के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम विदेश में भी बच्चों को भेजते हैं। तो एक आप कल्पना करके देखिए कि पांचवी क्लास का बच्चा जिसके माता पिता दादा दादी भी विदेश नहीं गए होंगे, क्योंकि देश में 5% जनता ऐसी है जो फ्लाइट में सफर की हुई है और 2% जनता ऐसी है जो इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठे, जिन्होंने जो विदेश की यात्रा जिन्होंने की है। तो मैट्रिक्स ओलंपियाड मात्र पांचवी क्लास के छोटे से बच्चे को भी इस लेवल का अवसर देता है कि आप 2% की दुनिया की 2% जनता में, जनसंख्या में शामिल हो सकते हो। और वो भी केवल ऐसा नहीं है कि केवल टूर है, वहां की शैक्षणिक व्यवस्था बच्चा आपका देखेगा,
कि वहां के स्टूडेंट, वहां की स्कूल, वहां की कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में और हमारे यहाँ पे क्या फर्क है, ये एक्सपोजर भी हम आपको सेवन डेज का जो हमारा टूर रहता है उस टूर में हम देते हैं। इसके बारे में डिटेल आपको आगे डायरेक्टर सर, विष्णु सर, वो डिटेल में आपको बताएंगे। तो ये जो आप 31 करोड़ की स्कॉलरशिप और 11 लाख कैश प्राइस देख रहे हैं, तो हमें ये लगा कि हमारी जो ननिहाल है इनको थोड़ा सा प्रोत्साहन और मिलना चाहिए, हमें ज्यादा जिले के ज्यादा प्रतिभाओं को सम्मानित करना चाहिए। तो लेटर ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में हमने फिर इसको, अब हम जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट, कैश प्राइस जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये 11 लाख की जगह 21 लाख हमने कर दिया है। तो अगर किसी स्टूडेंट के बारे में ये कहना चाहूंगा, किसी स्टूडेंट को, अभिभावकों को, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भी किसी कारणवश कि मैं इतनी महंगी फीस नहीं भर सकता, महंगी स्कूल में नहीं भेज सकता, तो पहली बात हुई कि ये नेशनल लेवल की बेंचमार्किंग है, आपको डिस्ट्रिक्ट रैंक, स्टेट रैंक और नेशनल रैंक, तीन रैंक, क्योंकि अभी आप कोई बच्चा किसी स्कूल का क्लास का टॉपर हो सकता है, स्कूल का टॉपर हो सकता है, उसको यही पता नहीं चलेगा कि मेरी तहसील में क्या रैंक है, जिले में मैं कहां हूं। एट द एंड तो आपको नेशनल लेवल पे ही कंपीट करना है, तो नेशनल लेवल बेंचमार्किंग ये टेस्ट है, क्योंकि पिछले जितने भी हमारे मैट्रिक ओलंपियाड के विनर स्टूडेंट्स रहे हैं उनकी ऑल इंडिया रैंक 1000 के अंदर रही है। बाकी डिटेल में डायरेक्टर सर आगे डिस्कस आपके साथ करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। एक बार भिवानी और चरखी दादरी के जो प्रतिभाएं जो आई है, इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियों से आप इन प्रतिभाओं का सम्मान करें, बहुत बहुत धन्यवाद। हम राजस्थान से हैं और हम सब भारत से हैं, और भारत की परंपरा, हमारे देश की परंपरा यह रही है कि अतिथि देवो भव है, और राजस्थान तो इसके लिए बखूबी जाना जाता है, आप सब भी जानते हैं। तो हम सबसे पहले जो हमारे अतिथिगण, जो हमारे एक छोटे से आमंत्रण से, छोटे से निमंत्रण से अपना बेशकीमती वक्त निकाल के यहां पे आए हैं, उन सब अतिथियों का सम्मान करना चाहेंगे। और इस सम्मान समारोह की कड़ी में सबसे पहले मैं जिन अतिथि को बुलाना चाह रहा हूं, जिनको बुलाने की आप सबसे परमिशन ले रहा हूं, उनका एक परिचय आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं उनका परिचय करवा सकूं, और वो परिचय के मोहताज नहीं है। हरियाणा के लाडले, हरियाणा के गौरव और भिवानी के लाडले श्री परमजीत सामोता जी, आप वर्तमान में हरियाणा पुलिस में डीएसपी हैं, और तालियां तो आपकी तब बजेगी कि आपके लाडली से, क्योंकि गांव दिनोद से ही है, आप जानते हैं सब, जोरदार तालियां डीएसपी साहब के लिए। हरियाणा पुलिस में आप डीएसपी हैं, इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो 19वां कॉमनवेल्थ गेम 2010 में हुआ तो उसमें आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 57वां सीनियर मेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें 2010 में था उसमें आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 54वां सीनियर मेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो थी उसमें आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 21वां हरियाणा स्टेट गेम्स 2006 कुरुक्षेत्र में जो हुआ था उसके आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 2007 से लेकर 2012 तक लगातार आप नेशनल चैंपियन रहे हैं, 2005 में आपने बॉक्सिंग स्टार्ट करी, 2005 में शुरू करी है, 2006 में चाइना में जो वर्ल्ड कप हुआ बॉक्सिंग का उसमें आप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे, ब्रॉन्ज मेडल आपने जीता, 2007 में थाईलैंड में इंटरनेशनल इन्विटेशन चैंपियनशिप जो हुई उसमें आप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे, 2007 में ईस्टर्न रेलवे ने आपको इनवाइट किया आपकी प्रतिभा को देखते हुए कि रेलवे के लिए बड़ा गौरव का विषय होगा कि आप जैसी प्रतिभा, आप जैसा गौरव रेलवे का गौरव बने, रेलवे में आपने कोलकाता में ईस्टर्न रेलवे में आपने बतौर टीसी ज्वाइन किया, 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 लगातार आप पटियाला में नेशनल कैंप में रहे हैं, गवर्नमेंट इसका पूरा खर्चा उठाती है, इसमें जो प्रीवियस जो चैंपियन होते हैं उनको इसमें दाखिला मिलता है, रहने कैंप में रहने कैंप अटेंड करने का मौका मिलता है, 2010 के एशियन गेम्स में आप जो चाइना में हुआ था उसमें आप गोल्ड मेडलिस्ट ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे, और 2012 में हरियाणा सरकार में आपने हरियाणा पुलिस में आपने बतौर डिप्टी एसपी ज्वाइन किया। ये
ये विवरण है सर का, ये वो विश्लेषण है सर का, क्रेडेंशियल है जो बहुत सूक्ष्म रूप में मैं दे पाया हूँ। डिटेल तो हमको तो कल सौभाग्य मिला था कि सर के घर गए थे हम, तो मेडल ही मेडल है चारों तरफ अनगिनत। ऐसी प्रतिभा के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार पूरा सदन खड़ा होके इनको एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और इनको सम्मानित करने के लिए मैं मैट्रिक्स डायरेक्टर अनुपम अग्रवाल सर और विष्णु पारिक सर को बुलाना चाहूंगा कि आप कृपया मंच पे आएं। डीएसपी साहब प्लीज। डीएसपी साहब के साथ में आपकी धर्मपत्री मनीषा सामोता मैडम भी हमारे बीच में उपस्थित है। और उनका भी उल्लेखनीय योगदान है क्योंकि इनका जो सपोर्ट है वो इनडायरेक्ट है, वो दिखता नहीं है। तो आप भी प्लीज मंच पे आए मैम प्लीज। साहब के नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं, बेटा मुकुल आप आए, दोनों बच्चे डीएसपी साहब के दोनों बच्चे हमारे बीच में आए हैं। हमारा सौभाग्य है कि डीएसपी साहब के परिवार को, मैट्रिक्स परिवार को सम्मानित करने का मौका मिला है। थैंक यू सर। सम्मान समारोह की कड़ी में आगे मैं बुलाना चाहूंगा श्री विजय पहलवान जी, आप सरपंच हैं नाथुवास के। सरपंच साहब प्लीज मंच पे आए। श्रीमान सोनू जी शर्मा, आप डायरेक्टर हैं स्टार साइंस एकेडमी भिवानी के। सोनू सर प्लीज मंच पे आए आप। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आपको सम्मानित करने का अवसर मिला है। श्रीमती विजय लक्ष्मी मैम, आप एसएसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी की प्रिंसिपल हैं। मैम प्लीज आप मंच पे आएं और हमें ये अवसर प्रदान करें कि हम आपका सम्मान कर पाएं। थैंक यू सर, थैंक यू अनुपम सर, विष्णु सर प्लीज आप अपना आसन ग्रहण करें।
अनुपम सर और विष्णु सर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बीच में दिशा इंटरनेशनल मैनेजमेंट अजय शर्मा हमारे बीच में उपस्थित है। अजय शर्मा सर कृपया आप मंच पे आए। सर को बड़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ में मैट्रिक्स की जर्नी, इसकी स्टार्टिंग का ब्रीफ आपके साथ में शेयर किया था, लेकिन आपके जो बच्चे हैं इनके लिए आपने जो सपने देख रखे हैं, जो बच्चों ने सपने देख रखे हैं कि मुझे देश की प्रतिष्ठित आईआईटीज बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है या मेडिकल कॉलेज में जाना है या आगे जाके आईएम में जाना है, जो भी इन्होंने कैरियर डिसाइड किए हैं, आपका कैरियर डिसाइड कैसा होना चाहिए, क्या क्या आप अपने अंदर योग्यता देखते हैं, क्या पैमाने हैं। अभिभावकों की बड़ी समस्या रहती है ये कि क्या करवाएं, क्योंकि हम तो बाहरी चीजों से इंस्पायर होते रहते हैं। अभी डीएसपी साहब को देखेंगे तो लगेगा डीएसपी बनना चाहिए, और इन डीएसपी बनने से पहले इनकी जो इतने सारे जो क्रेडेंशियल देखें तो ऐसा लगता है कि बॉक्सर ही बन जाएं। अभी थोड़ी देर बाद में आप किसी फेमस सर्जन को सुनेंगे, डॉक्टर को सुनेंगे, तो आपको लगेगा डॉक्टर ही बन जाएं। तो एक्चुअल में आपका कैरियर डिसाइड करने के लिए बेंचमार्किंग क्या होनी चाहिए और मैट्रिक्स कैसे आपको मदद करेगा आपका कैरियर अचीव करने में, ये आइडेंटिफाई करने में, मैट्रिक्स की स्थापना से लेके मैट्रिक्स के अब तक के सफर के बारे में जानने में क्या टीचिंग मेथोलॉजी मैट्रिक्स की है, इस पे फोकस करने के लिए, इस पे डिटेल्ड एक प्रेजेंटेशन, डिटेल एक डिस्कशन के लिए, एनालिसिस के लिए मैं जिनको बुलाना चाहूंगा वो भी किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज, परिचय के मोहताज नहीं है। आपके साथ में मैं शेयर करता हूं, आप एक छोटे से गांव से हैं, हम सब गांव से ही हैं, और गांव वालों की बड़ी पीड़ा रहती है। गांव वाले ये सोचते हैं शहर वाले ही सब कुछ कर सकते हैं, और एक्चुअली में हमारे देश पे राज ही गांव वाला कर रहा है। जितने भी आप टॉप मोस्ट लोग देखेंगे आपको 70-80% लोग गांव के मिलेंगे, और हम इस बात से इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं कि मैं तो गांव का हूं क्या कर सकता हूं। या फिर आपका स्कूल जो है वो आपको, या फिर आपकी कॉलेजेस हैं ये जो कोई हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है या कोई सरकारी स्कूल से पढ़ रहा है तो वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, लेकिन ये तो गांव से ही है। एक गांव का लड़का ये सोचता है कि सुन इन्फॉर्मेशन लेके कि बीटेक होता है, आईआईटी होता है, वो उतना सा सुनना काफी था उनके लिए। आपने आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट की और आईआईटी को जेई की एग्जाम को आपने ऑल इंडिया रैंक 680 के साथ में क्रैक किया, और आपने आईआईटी कानपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। उसके बाद में आप यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी में भी कुछ एक्सपोजर लेने के लिए थोड़े टाइम के लिए गए, लेकिन आपके अंदर जो अंदर की प्रतिभाएं हम में से बहुत कम लोग पहचान पाते हैं कि मैं किसके लिए बनाऊं, लेकिन इनको ये लगा कि मैं तो टीचिंग के लिए बनाऊं, तो इन्होंने वहां से स्विच किया। करोड़ों का पैकेज जो है वो अपने पैशन के लिए इन्होंने करोड़ों का पैकेज छोड़ दिया, गिविंग बैक टू द सोसाइटी तो था ही माइंड में। आप मैट्रिक्स के फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, मैट्रिक्स के डायरेक्टर हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करके मैं इन्वाइट करना चाहूंगा डायरेक्टर सर अनुपम अग्रवाल सर को कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। सर प्लीज। थैंक यू सुधार सर इतने काइंड वर्ड्स के लिए। नमस्कार सभी को यहाँ पर जो भी आए हैं, और आप सबका मैं बहुत ही अभिनंदन करता हूँ हमारे इस पहल को सपोर्ट करने के लिए, अपनी उपस्थिति से हम सबको जो आपने खुश किया है।
देखिए, मैं जैसा कि इन्होंने कहा, मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा, बट उससे पहले जैसे थोड़ा सा आपको सीकर के बारे में बताऊं, तो भिवानी को वैसे छोटी काशी बोलते हैं। मंदिर यहाँ पे बहुत है, बिल्कुल वैसे ही आप ये समझ लीजिए, आप सबने वैसे राजस्थान में कोटा का नाम तो सुना होगा, तो राजस्थान में छोटी काशी बनके, एजुकेशन के लिए छोटी काशी बनके सीकर उभर रहा है पिछले एक दशक से, उभर चुका है। अब उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि उभर रहा है, बट पिछले एक दशक से जो सीकर ने प्रोग्रेस करी है एजुकेशन के मामले में, वो उसको बिल्कुल छोटी काशी कहा जा सकता है, अगर कोटा को अपन काशी बोलें एजुकेशन की। तो आज आपको शायद संख्या ना पता हो, लेकिन मैं आपको बताऊं तो सीकर में लगभग 1,00,000 बच्चे बाहर से आके पढ़ाई कर रहे हैं। 1,00,000 बच्चे अलग अलग IIT की तैयारी, नीट की तैयारी, ज्यादातर बच्चे तो IIT और नीट की तैयारी करने वाले हैं, उसके अलावा भी दूसरी तैयारी करते हैं बच्चे, क्लैट की तैयारी अब शुरू हो रही है कॉमर्स के लिए, बाकी सब बच्चे भी हैं, लेकिन ज्यादातर आप ये मान लीजिए 80% बच्चे IIT और नीट की तैयारी के लिए, मेडिकल की तैयारी के लिए आते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि ये छोटी काशी जिसको मैंने बोला सीकर पढ़ाई के लिए, वो जो काशी है राजस्थान की पढ़ाई के लिए कोटा, उससे भी ज्यादा अच्छे रूप में लोग पसंद कर रहे हैं कि पढ़ाना है अगर, अगर बच्चे को भटकाना नहीं है, भटकने के कम ऑप्शंस देने, तो शायद सीकर बेहतर जगह है कोटा की तुलना में। आप में से भी कई लोगों को शायद आइडिया होगा इस बात का, लेकिन सीकर की जो खास बात है वो ये कि चाहे दिल्ली ले लो आप, चाहे बैंगलोर ले लो, चाहे हैदराबाद ले लो, चाहे कोटा ले लो, जो पढ़ाई का लेवल जिसके लिए वो जाने जाते हैं ना, कि वहां पर शायद इस लेवल की पढ़ाई होती है, या वहां के टीचर्स को कुछ ऐसा पता है जिससे बच्चे IIT में पहुंच जाते हैं, उसी लेवल की पढ़ाई सीकर में करवाई जाती है। मैं आपके सामने एक उदाहरण खड़ा हूं, और मेरे साथ जो और साथी है मेरे मैट्रिक्स एजुकेशन के, उनमें ज्यादातर लोग IITians हैं, उसके अलावा IIM अहमदाबाद से हैं, तो हम सब ने वो पढ़ाव क्लियर किए हैं जहां, जो आप शायद अपने आपके बच्चे जो हैं आगे जिंदगी में उन पड़ाव को क्लियर करना चाहते हैं या पार करना चाहते हैं, हमने किया है उसको, और हम जानते हैं कि कैसे पढ़ाई करवाई जाती है। हम पिछले 8 साल 9 साल चल रहा है इस बात को बिल्कुल सजग और बहुत ही अच्छे तरीके से निभा भी रहे। हर साल मैट्रिक से अकेले, सीकर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, लेकिन मैट्रिक से अकेले लगभग 400 बच्चे, आपको अगर थोड़ा सा भी नंबर का आइडिया हो ना, तो टोटल 10,000 बच्चे ही जाते हैं IIT में, और उसमें से 400 सीकर से सेलेक्ट होते हैं मैट्रिक से, 10,000 में से 400 अकेले सीकर से। जब जैसे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, जिनकी इंडिया भर में 20 ब्रांच होती हैं, वो छापते हैं कि हमारे 2,500 बच्चे सेलेक्ट हुए, 3,000 बच्चे हुए, एक जगह से 400 नहीं होते, तो सीकर से 400 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, लगभग 400 से ज्यादा हुए हैं पिछले साल, बट लगभग औसतन 400 कर देते हैं हम। मेडिकल हमने इसी साल स्टार्ट किया है, तो उसके लिए मेरे पास संख्या तो नहीं है बताने के लिए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग मेडिकल में भी वैसे ही रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। स्कूल की बात करें, और ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 5वीं से 12वीं तक के सभी क्लासेस के बच्चे बैठे हैं, तो 5वीं से 10वीं तक के जो बच्चे होते हैं, जिनके लिए NTSC एग्जाम होता है, स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम होता है, उसके अलावा जूनियर साइंस ओलंपियाड होता है, हो सकता है आप में से कई लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इनमें से जो मैंने लास्ट में नाम लिया वो सबसे मुश्किल एग्जाम होता है, क्योंकि वो इंडिया के लेवल पे होके फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है, उसमें इंडिया की तरफ से 4-5 बच्चे ही जा पाते हैं पूरे भारत की तरफ से। इन सब एग्जाम्स की तैयारी भी हमारे स्कूल के बच्चे करते हैं, और अभी मैं आपको, अभी 2 हफ्ते पहले एक रिजल्ट आया है, मैं उस रिजल्ट का सिर्फ आपको बस रिजल्ट के बारे में बता देता हूँ, बाकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन। जो मैंने जूनियर साइंस ओलंपियाड कहा, वैसे ही एक मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता है, जिसमें पहले आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेलेक्ट होना होता है, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे। तो अभी जो हुआ है ना, वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल वाला हुआ है, उसके बाद नेशनल वाला होगा, तो अभी स्टेट लेवल तक हो चुका है, और पूरे राजस्थान से 52 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए उस एग्जाम में, पूरे राजस्थान, उसमें कोटा भी है, सब कुछ है, और सीकर से केवल 2 ही सिलेक्शन हुए पूरे सीकर से, और वो दोनों मैट्रिक्स हाईस्कूल के ही हैं।
और ये एग्जाम की मुश्किल कितना मुश्किल होता है इसका अंदाजा ढूंढना, तो आप लोग जानते हैं कि आईआईटी का एग्जाम सबसे मुश्किल माना जाता है, पूरी दुनिया में मुश्किल माना जाता है, कि इंडिया में जो बीटेक करने के लिए जो एग्जाम होता है वो पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल एग्जामों में गिना जाता है। और जिसका मैंने नाम लिया ओलंपियाड, जिसमें ये दो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ये उस आईआईटी के एग्जाम से भी मुश्किल होता है, इसलिए दो ही बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जबकि आईआईटी में हमारे यहाँ से 400 होते हैं। तो ये तो सिर्फ एक उदाहरण था कि सीकर आज कहाँ पहुंच रहा है, 1,00,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। क्यों ऐसा है कि सीकर में जब पढ़ाई सेम लेवल की होती है तो फर्क क्या है कि कोटा के बजाय सीकर, मैंने बोला कि ज्यादा अच्छी जगह है पढ़ने के लिए, उसका कारण है बड़े शहर का असर नहीं है वहां पर, वहां पर पर्सनल टच है, मतलब जब बच्चा पढ़ता है, क्योंकि हमारी 20 ब्रांच नहीं है, मैं चाहे मेरे साथी हों, बाकी डायरेक्टर्स हों, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हों, सब वहीं सीकर में ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में है और हमारी ब्रांच चल रही है सीकर में, तो सारे अच्छे टीचर्स और डायरेक्टर्स तो बैठे हैं दिल्ली में और पढ़ाने के लिए छोटी जगह पर छोटे टीचर्स को भेज दिया। इस बात का बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि हमारी डायरेक्ट निगरानी रहती है उस पर, और इससे क्या है कि बच्चों पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। मैं बात ज्यादा मतलब नेगेटिव बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप लोगों ने अगर न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा हो तो कोरोना के बाद से जब से कोचिंग स्कूल सब खुले हैं तो बच्चों के ऊपर मानसिक दबाव बहुत ज्यादा आया है, बच्चों ने गलत कदम भी उठाए हैं, उसके बारे में न्यूज में आता भी है, कोटा में खासकर बहुत केसेस हुए हैं। इन सब चीजों से बचने का एक ही तरीका है कि बच्चे की तकलीफ की जड़ तक पहुंचा जाए, और वो दूर बैठ के नहीं हो सकता, आपको बच्चे से जुड़ना पड़ता है। अच्छा तो आप पढ़ा दोगे, लेकिन पढ़ाने के अलावा बच्चे पर ध्यान देना पड़ता है कि वो बच्चे कुल पढ़ाई में, पढ़ाई के अलावा उसकी निजी जिंदगी में, 3 साल से बच्चा घर में बैठा है, उसको पढ़ाई करने की आदत छूट गई, अब आप चाहते हो कि अचानक से स्कूल लेवल से भी दुगने लेवल की पढ़ाई आप उसे करवा दो, वो आसान बात नहीं है। ये पेरेंट्स के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग ऐसा ना सोचे कि कोई बदलाव हुआ नहीं है, कोरोना ने हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा बदलाव ला दिया जिसको अपन बदल नहीं सकते, अपने को मानना पड़ेगा कि ये तो हुआ है। अब वो होता है ना, जो हो गया सो हो गया, अब हमारे पास सिर्फ इतना हाथ में है कि जो नुकसान हो गया उसको कम से कम, जितना भी हो सके उसका असर कम कर दें, और जितनी भरपाई कर सके उतना करने की कोशिश कर लें। हम ऐसा नहीं कर सकते कि उन 3 साल कोरोना आया ही नहीं इस प्रकार से बिहेव करें कि वो तो गया बेटा, पढ़ाई तो वैसी ही होनी चाहिए जैसे पहले पढ़ते थे, तो बहुत मुश्किल काम है। इसके अलावा मैं इस मैट्रिक्स ओलंपियाड के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, और इसके लिए थोड़ा सा पीछे से कहानी बताऊंगा कि जब मैं था, मेरे ख्याल से मैं 10वीं में था, तो मैंने आईआईटी का नाम भी नहीं सुना था। हमारा जो गांव था, आप लोग सभी स्कूल में तो पढ़ते ही हैं आपके बच्चे, और बच्चों से बोलो तो आप लोग जानते हो आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते होंगे। मेरे स्कूल में 10वीं में कुल 27 बच्चे थे मेरे सेक्शन में, कुल 27 बस, बाकी हिंदी मीडियम थे, इंग्लिश मीडियम में टोटल 27 बच्चे थे 10वीं में। इतना छोटा स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल था, और उस स्कूल में मैं ज्यादा कुछ मेहनत करे बिना भी हमेशा फर्स्ट आता था। मेहनत नहीं लगती थी मुझे, उन 27 बच्चों में मैं हमेशा फर्स्ट आता था, मैथ्स में हमेशा 100 नंबर आते थे, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, कि हाँ टीचर्स को भी लगता था कि यही लड़का सबसे अच्छा है। अब लेकिन मैंने इतना अच्छा होने के बावजूद ना तो मेरे किसी टीचर ने, ना मेरे प्रिंसिपल ने, किसी ने भी मुझे आईआईटी के बारे में नहीं बताया कि बेटा तेरी मैथ्स अगर इतनी अच्छी है ना तो जिंदगी में ना, मतलब ये मैथ्स जिनको पसंद होती है वो आगे जाके इंजीनियरिंग फील्ड में अगर करना चाहते हैं कुछ, तो इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज जो है वो आईआईटी नाम का होता है। नाम ही नहीं पता, पिताजी माता जी को भी नहीं पता क्योंकि उन्होंने इतनी पढ़ाई नहीं करी। फिर क्या हुआ कि किस्मत से एक ऐसा बच्चा जो आईआईटी में सेलेक्ट हुआ हुआ था, उसके पिताजी, वो तो सेलेक्ट होके कॉलेज में पढ़ रहा था, बट उसके पिताजी हमारे गांव में रहने आए काम के सिलसिले में, और उनसे पता चला जब जान पहचान हुई कि उनका बच्चा किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ता है, उन्होंने बताया आईआईटी। नाम सुना तो फिर सुना, इसकी तैयारी कैसे करते हैं पता किया, तो पता चला कोटा में तैयारी होती है, एक ही कोचिंग है वहां पर। कोचिंग का एग्जाम देने गए तो वहां पर पता चला कि पूरे भारत से, जैसे अभी आपको पता कि 10,00,000 बच्चे देते हैं आईआईटी का एग्जाम, वहां पर कोचिंग का एडमिशन लेने के लिए 1,00,000 बच्चे जाते थे टेस्ट देने के लिए। और उन 1,00,000 बच्चों में से वो क्या करता था, कुछ बच्चों को सेलेक्ट करके वापस भेज देता था कि आप आईटी करने के लायक नहीं हो, तैयारी करने के लायक नहीं हो, आप जाइए घर। उन बच्चों में जब मेरी 550 रैंक आई थी करीब, उस दिन मुझे झटका लगा कि मैंने तो फर्स्ट रैंक के नीचे कभी देखा ही नहीं था,
मैं तो हमेशा फर्स्ट आया था, तब मुझे पता चला कि दुनिया में बहुत तेज लोग हैं, मैं ही नहीं हूं सिर्फ। एक असलियत पता चली कि मेहनत करने की जरूरत है। अभी तो मैं 550 के नंबर पे हूं, और वो भी वो बच्चे जो कि आईटी में सेलेक्ट नहीं होने वाले सारे, ये तो सिर्फ कोचिंग का एग्जाम देने आए थे। वहां से मेरी आंखें खुली और उसके बाद फिर मैंने मेहनत करी और भगवान की दया से मैं पहुंचा भी। तो इसमें कहने की बात यह है कि मतलब आपको ना बच्चों को, स्पेशली जो छोटे गांव से आते हैं ना, छोटी जगहों से, उनको सजग करने की बहुत जरूरत होती है, उनको अवेयर बनाने की। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि मैं जब कॉलेज में गया पहले साल, आईआईटी में सेलेक्ट हो गया, मैं तैयारी करी सेलेक्ट हो गया, और पहले साल जब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में जाते हैं सबसे पहले आपको ना एक कोर्स करवाते हैं पहले साल में, वो होता है कंप्यूटर का कोडिंग का कोर्स होता है। आप सबको शायद पता होगा कि आज की डेट में ये गूगल वूगल नाम सबने सुन रखे हैं, है ना। ये दुनिया की उन कंपनीज में आते हैं जहां पर हर कोई काम करना चाहता है, इससे अच्छी जगह नहीं है काम करने की पूरी दुनिया में। जितना ध्यान वो लोग रखते हैं ना एक आदमी का जो वहां नौकरी करता है, ऐसे बिल्कुल राजा की तरह रखते हैं कि जो चाहिए सब मिलेगा, आप तो बस अच्छे से आराम से काम करो। यहां पर काम कौन कौन सा काम होता है? कोडिंग का काम होता है। और आज मैंने 2006 में आईआईटी क्लियर करी थी, आज अपन 2022 में खड़े हैं। आज आप लोगों को अगर नहीं पता है तो बहुत अफसोस की बात होगी, लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि कोडिंग यानी कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच की जितनी वैल्यू है, जितनी तवज्जो है ना, उतनी किसी और ब्रांच की नहीं है आज की डेट में। फ्यूचर वही है, जो भविष्य में सक्सेसफुल बनना है ना, तो सबसे ज्यादा संभावना तभी है जब आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से पढ़ेंगे। दूसरे है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कुछ नहीं होगा, होगा, लेकिन ज्यादा कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो 2022 में ये बात लगभग सबको पता चल चुकी है, लेकिन 2006 की सोचिए, आज से 16 साल पहले, नहीं पता था लोगों को, मुझे तो नहीं पता था। मैंने तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली ही इसलिए थी क्योंकि वो पिताजी के दिमाग में बैठा था कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही सब कुछ होता है और तीसरा सिविल, इसी से गवर्नमेंट नौकरी के भी चांसेस होते हैं, तो यही लेना चाहिए ये, क्योंकि ये क्योंकि कोर ब्रांच है ना, पावर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। और जब मैं कॉलेज में गया ना, तो मेरे कुछ साथी ऐसे मिले जो दिल्ली से थे, कोई कोलकाता से था, कोई बैंगलोर से था, मेरे ही कॉलेज में और मेरे आसपास ही रहते थे। जब फर्स्ट ईयर में कोडिंग के कोर्स शुरू हुआ, उनको आधी से ज्यादा चीजें पहले से आती थी। मैं तो पहली बार सीख रहा था कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, कंप्यूटर में ये सब दबाना होता है, और उनको उस कोर्स से रिलेटेड आधी से ज्यादा चीजें पहले से आती थी। स्वाभाविक सी बात है, क्या हुआ, वो कोर्स जब खत्म हुआ उनका ए ग्रेड मिलता है, उनको मिला ए, मेरे को मिला बी। तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि वो अवेयर थे, बड़े शहर में होने का फायदा ये मिला कि उनको ना पहले से पता था कि फ्यूचर में क्या चीज करनी है अपने को, उसके लिए पहले से तैयार थे वो। इस बात का बहुत फर्क पड़ता है, हमें लगता है कि शायद नहीं करता, बच्चा बच्चे में दम होगा तो हम करवा लेंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसे बहुत कम बच्चे होते। आपको पहले से पता तो होना चाहिए कि दुनिया में ऐसी भी चीजें हैं, जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप उसके लिए तैयार कहां से होगे। जैसे मैं था, मैं खुश था उस 27 बच्चों में फर्स्ट आकर, आंखें खुली तब जब बाहर निकला अपने शहर से। तो ये जो मैट्रिक्स ओलंपियाड है ना, ये एक तरह से आपको कंपटीशन की दुनिया, देखो हर किसी को कंपटीशन की दुनिया झेलनी तो है। अपन भारत में पैदा हुए हैं, भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या है, अपन ये नहीं सोच सकते कि गवर्नमेंट अपने को बेरोजगार भत्ता देकर अपना कर चला लेगी, हमें ही चलाना है ना। यूरोपियन देशों में तो आप कुछ ना करो तो गवर्नमेंट दे देती है आपको घर चलाने के लिए पैसा, भारत में ऐसा होता नहीं। तो ये बात अपने को समझनी होगी कि आज नहीं तो कल, डिपेंड करता है आप कौन सी क्लास में, हो सकता है 12वीं में, हो सकता है 11वीं में हो, तो आपका कंपटीशन तो आ ही गया, अब आपको कोई ना कोई एग्जाम देकर कोई क्लियर करना है, फिर कॉलेज की कॉलेज चुनना होगा। अगर आप 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में हो तो आपके लिए थोड़ा सा समय है, लेकिन अभी जाग जाओगे तो आप कई बच्चों से आगे निकल जाओगे रेस में। ये कहना बड़ा अजीब आजकल क्या है कि बड़ा बुरा लगता है कि ये क्या जिंदगी को रेस ही है क्या, बस दौड़ते रहो। नहीं, रेस तो नहीं है, बट अगर आपको फर्स्ट आना पसंद है तो आगे दौड़ना तो पड़ेगा। तो ये एग्जाम जो है, इसमें बोलते ना हम लोग कि ये टैलेंट सर्च एग्जाम नहीं है, हम ये नहीं चाहते कि बस फर्स्ट आए उसको पकड़ के बस तू तो हमारी कोचिंग में पढ़ने आ जा। इसके दो जो मुख्य कारण है ना इस एग्जाम को कराने के, जैसा कि सुथार जी ने बताया भी, कि कोचिंग चल रही थी हमारी बहुत अच्छी,
आईआईटी में हम बहुत बच्चे 400 बच्चे तो हर साल भेज देते हैं। स्कूल चल रहा है हमारे पास, जिसमें से सिलेक्शन मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया, राजस्थान सीकर में सिलेक्शन ही दो हैं तो दोनों हमारे यहाँ से हैं, इस तरह का सिलेक्शन। नीट कोचिंग चल रही थी, ये अलग से एग्जाम करवा के क्या ये जगह जगह आके हमारे पास हमको क्या मिल रहा है इसमें? हमको तो नहीं मिल रहा, लेकिन आप लोग इसको बहुत फायदा उठा सकते हो आप इस चीज का। इस छोटे से सेशन से, इस छोटी सी हमारी मुहिम से हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों को सजग बना पाए, हम एक झलक दिखला सके उनको कि कंपटीशन की दुनिया में कितने लोग बैठे हैं। हो सकता है कि आप अपने स्कूल में बढ़िया कर रहे हो, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या पूरे राजस्थान लेवल पे इतने सारे बच्चे सेम पेपर को जब देने जाते हैं, क्लास के 30 बच्चे नहीं 3000 बच्चों में जब कंपटीशन होता है, तब अपन कहां स्टैंड करते हैं, इस बात की झलक मिलती है इस एग्जाम से। और जिसकी मान लीजिए 3000 में जिसकी 3000 भी रैंक आई है, उसको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, उसको कम से कम भाई ये बात पता चली कि अपने को कहां पर इंप्रूवमेंट करना है, कहां अपन पीछे छूट रहे हैं। अगर उसका मन है आगे जाके कुछ एग्जाम जैसी चीज में क्लियर करने का, अगर उसका स्पोर्ट्स में मन है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका मन है कि नहीं मेरे को तो आगे जाके इंजीनियरिंग करनी है, या मेरे को तो डॉक्टर बनना है, या मेरे को तो सीए बनना है, या मेरे को एनडीए क्लियर करना है, इनमें से कोई भी जितने मैंने नाम लिए ना, उनमें आपको लाखों की संख्या में जो बच्चे बैठते हैं उनसे कॉम्पिटिशन तो करना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। और उस कॉम्पिटिशन में अभी आप कहाँ पर हो वो जितना जल्दी पता चल जाए आप उसको उतना अच्छे से आगे के लिए तैयार हो सकते हो। तो ये पहला कारण है सजग बनाना, अवेयर करना आपको कि आपके इस शहर आपके गांव से बाहर कितने लोग बैठे हैं जिनके साथ अपना मुकाबला होना है। दूसरा प्रोत्साहन, ये जो हम प्राइज मनी दे रहे हैं, हम फॉरेन टूर करवा रहे हैं, इन सब का पर्पज यही है, बच्चों को कारण दे रहे हैं कि उनका मन करे कि मैं और मेहनत करूं और ऊपर जाऊं, जिसके मेहनत करने के बदले में मेरे को ये मिलेगा। एक चाह होती है, एक अच्छा लगता है जब गिफ्ट मिलता है। तो गिफ्ट तो क्या होता है, बर्थडे पे बिना कुछ करे मिल जाता है, आप पैदा हो गए आपको मिल गया, हर साल आ जाता है बर्थडे, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। ये प्राइज है जिसमें आपकी मेहनत के बलबूते पे कुछ मिलता है, और ऐसा कुछ होता है तो जब बच्चा आगे और मेहनत करने के लिए जागरूक होता है। और आखिरी बात, ये फॉरेन टूर, जो पता नहीं आप लोगों तक ये बात पूरी तरह से जहन तक पहुंची कि नहीं, मैं फिर से उस पर जोर देना चाहूंगा कि ये फॉरेन टूर करवाने का पर्पस ये नहीं है दुनिया दिखाना नहीं है। हम सिंगापुर ले जाएं, चाहे लंदन ले जाएं, चाहे पेरिस ले जाएं, इसका पर्पस ये नहीं है कि वहां पर जाके आईफिल टावर दिखाना है बच्चों को, दिखाएंगे, लेकिन इसका पर्पस सजग बनाना ही है। ये वैसी सी बात है कि मैंने आपको शहर से बाहर निकाला, कहा कि देखो तो अपने राजस्थान में कितने अच्छे बच्चे हैं। इस टूर का पर्पस है देश से बाहर निकालकर आपको दिखाना कि दुनिया में कैसे लोग हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं। हो सकता है कि तुमने जैसा तरीका देखा हो पढ़ने का बचपन से लेकर आज तक, उससे कुछ बेहतर होता हो, उससे कुछ सीखो, और फिर सीख के तुम्हें लगे कि नहीं मेरी सीमा यहीं तक नहीं है, इससे ऊपर भी बहुत कुछ है। ये पर्पस है इस एजुकेशन टूर का, ये टूर नहीं है, एजुकेशन टूर है। तो इसी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी स्पीच खत्म करूंगा और ज्यादा समय ना लेकर। आई होप हमारा ये जो हमारी जो ये कोशिश है इसका आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। सर के स्पीच की, उद्बोधन की समरी अगर मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूं तो सर, हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं, अभी जो बच्चे स्पेशली जो कैरियर की मुहिम पे खड़े हैं, जो कैरियर का राह देख रहे हैं कि किस दिशा में हमारा कैरियर बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, अभिभावकों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सर का जो उद्बोधन है उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सजग रहें, हम सजग रहें और सजग बना के रखें। आपके आसपास में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, किसने क्या किया है, वो कैसे किया, इन सब के बारे में। आप केवल किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे स्कूल में केवल एडमिशन दिला देना ही आपकी सजगता का प्रमाण नहीं है। इसके लिए सर के उद्बोधन के लिए एक बार जोरदार तालियां हम सब चाहेंगे। यूं तो एक परिचय की श्रृंखला होती सुधार जी मुझे इनवाइट करते, लेकिन सामोता जी और इनकी पत्नी का जो मैंने संयोजन देखा मेरे से रुका नहीं गया, मैं मंच पर आ गया।
मैं अपना परिचय दे देता हूं आपको। विष्णु पारीख है, मैट्रिक से आपके बीच में आया और अगले 10-15 मिनट आपसे बातचीत करूंगा। उस बातचीत में बस कोशिश कीजिएगा कि आप अपने बाकी सब कामों को रोक करके 15 मिनट मेरे साथ जुड़ करके बातचीत कर लें। मुझे लगता है कि यहां जितने बच्चे आए हुए हैं उनके लिए बहुत कुछ आज यहां पर सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा उदाहरण हमने सामोता जी से स्टार्ट करा, जिनका नाम भी परमजीत है और जिनके मुक्कों की धमक ने त्रिनाथ टोबैको को, जो उनका विपक्ष था, उसको जैसा धराशायी किया था, उसे पूरा तालकटोरा स्टेडियम गूंज गया था। तो मैं समझता हूं कि ऐसे लाइव एग्जांपल, मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि आपके मोटिवेशन दो तरह के होते हैं, एक टेम्परेरी एक परमानेंट। टेम्परेरी मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए आ सकता है, लेकिन परमानेंट मोटिवेशन कब आएगा? जब आप वो काम करेंगे जो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, आप क्यों करना चाहते हैं यह आपके मस्तिष्क में स्पष्ट हो। चूंकि स्पोर्ट्स पर्सन है, यहां की बातचीत शुरू हो रही है और हम हरियाणा में बैठे हैं, तो सबसे पहले तो मैं मैट्रिक्स परिवार की ओर से हरियाणा के इस भिवानी और चरखी दादरी से पधारे हुए लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मुझे खुशी इस बात की है कि आपका यह जो स्टेडियम है, जो ऑडिटोरियम है, मुझे खुशी है इस बात की कि आपको बैठने के लिए भी परेशानी हो रही है, बीच में कुर्सियां लगानी पड़ी है क्योंकि पूरा ऑडिटोरियम फुल है। आपका यह जो स्नेह है उसके लिए मैट्रिक्स आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। बड़ा मुश्किल होता है कि दूसरी जगह से आकर के एक स्थान पर आए और वहां के लोगों का स्नेह हम पा पाए। और देखिए, भिवानी तो प्रेम का नगर है। आप सब लोग, जितने बच्चे बैठे, मुझे पता नहीं आप जानते कि नहीं जानते, भिवानी को गेटवे ऑफ राजपूताना कहा जाता है। यहां के एक राजा हुए, आप सब नाम जानते होंगे उनका, नीम सिंह जी। नीम सिंह जी को उनकी पत्नी थी भानी। भानी ने एक बार उनके साथ एक बड़ा विश्वासघात हुआ, और जैसे किसी जमाने में राजा दशरथ को मां केकई ने अपनी उंगली लगा करके उस युद्ध में जिताया था, राजा नीम सिंह जी को उनकी पत्नी भानी ने एक बहुत बड़े विश्वासघात से बचाया। और राजा ने इससे खुश होकर के अपनी रियासत के एक बड़े जगह था उसका नाम अपनी पत्नी भानी के नाम से रख दिया। इस जगह का मौलिक नाम था भानी, लेकिन हम हरियाणा के लोग हैं और थोड़ा सा प्यार से बोलते हैं अपने, तो हमने इसको कह दिया भैनी, अपन बोलते हैं ना अपनी आम बोलचाल की भाषा में। और वहां से फिर यह भिवानी बना। तो जो प्रेम का प्रतीक भिवानी है, साथ साथ में इसको भवानी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव की जो मां पार्वती है, जिनको भवानी कहा जाता है, शौर्य की भूमि कहा जाता है, उस भिवानी के रूप में सरने जैसे भी कहा, यह छोटी काशी है। इसके दो कारण हैं। प्रारंभिक दिनों में देखा जाए तो शिक्षा के दृष्टिकोण से भिवानी बहुत समृद्ध रहा है, और दूसरा यहां पर मठ मंदिर इतने ज्यादा हैं, लोगों की आस्था का केंद्र इतना बड़ा है कि जैसे बाबा महाकाल के रहने का काशी एक स्थान हुआ करता था, वैसे ये छोटी काशी है। तो इस हरियाणा की छोटी काशी में सीकर को, जिसको शिक्षा की नगरी के रूप में, शिक्षा काशी के रूप में जाना जाता है, वहां से मैट्रिक्स परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं चाहता हूं कि हरियाणा और राजस्थान का ये जो संयोजन मिले, यहां मुझे माताएं बहनें बहुत बैठी हुई दिखाई दे रही है, रोशनी खूब ज्यादा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीकर को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारी जो संस्कृति रही है, हम सब जानते हैं कि उसका एक बड़ा इतिहास रहा है, देने का इतिहास रहा है। हम सब जानते हैं कि भगवान राम ने रावण का वध करने के लिए अपनी मां से यश का दान मांग लिया। आज आप अपनी कोई भी परिवार में अपनी बेटी का नाम केकई कोई नहीं रखता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि केकई ऐसा चरित्र रहा है कि उसका नाम भी हम रखना पसंद नहीं करते। लेकिन केकई को दूसरे दृष्टिकोण से देखिए कि यश का दान केवल और केवल करने का सामर्थ्य किसी में था तो वो मां केकई में था। जब देवताओं को आवश्यकता हुई और उनका असुरों का वध करने की आवश्यकता थी, तो महर्षि दधीचि से उन्होंने अपनी हड्डियों का दान मांग लिया, उन्होंने दे दिया। आप सब जानते हैं, आपके यहां पर भी अनेक स्थानों पर महाराणा प्रताप के बड़े पुतले लगे हुए हैं, बड़े उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। हम सब जानते हैं कि जब महाराणा प्रताप के चेतक की टापे हल्की पड़नी लगी तो उन्होंने भामाशाहों से धन का दान मांग लिया। लेकिन दोस्तों, इस पूरे सदन की सबसे ज्यादा ताली इस बात पर गूंजेगी कि मैं जिस धरती से आया हूं, मैट्रिक जहां से आई है, जिस सीकर से आया हूं, वहां की माएं ऐसी हैं कि जब जब आवश्यकता होती है तो इस धरती के लिए सबसे ज्यादा सैनिक और अपने बेटे अपनी कोख की नाल तोड़ करके बलिदान कर देती है। ऐसी धरा शेखावाटी से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका बहुत बहुत अभिवादन है। हम सब ने देखा कि मैट्रिक्स की जो पूरी यात्रा थी उसके बारे में अनुपम सर ने आपसे बात की। आपने देखा कि परमजीत जी आए, उन्होंने अपने जीवन की बात की। मैं अपनी एक बात को वहां से शुरू करता हूं, खिलाड़ी का मुझे याद आता है। और आप देखिएगा कि एक खिलाड़ी, एक व्यक्ति, एक विद्यार्थी बड़ा कैसे बनता है। आप बड़े सिर्फ इसलिए नहीं हो जाते कि आपने अपना सपना देखा, और आप उस सपने को पूरा करने के लिए, आप बड़े इसलिए नहीं हो जाते कि आपने केवल नौकरी पानी है इसलिए एक पढ़ाई को कर लिया और वहां से एक डिग्री ले ली और नौकरी पा ली। आप बड़े इसलिए बनते हैं कि आप अपने माध्यम से देश को कितना बड़ा बनाते हैं। एक छोटा सा देश है, आपने नाम सुना होगा हंगरी, जिसके नाम को अंग्रेजी में देखा जाए तो भूख होता है, लेकिन वो भूख नहीं, उस जगह का नाम हंगरी है और उसकी राजधानी है बुडापेस्ट।
मुश्किल से उस देश की जनसंख्या होगी आज की तारीख में 55 लाख के आसपास। आप सोचिए हमारे हरियाणा में तो कोई जिला भी शायद 55 लाख से बड़ा होगा, हमारे राजस्थान के जिले भी उससे बड़े होते हैं। और चूंकि परमजीत जी खिलाड़ी हैं तो मुझे उसी का ध्यान है, इसलिए मैं अपनी बात वहां से शुरू कर रहा हूं। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी थी और वहां एक बेटे का जन्म होता है। उस बच्चे ने जन्म लेते ही एक सपना देखा कि मेरे देश ने आज तक कभी कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे देश को एक गोल्ड मेडल मिले। यह अपनी नौकरी पाने की बात भी नहीं थी, यह एक देश की अस्मिता की बात थी। उस बच्चे ने शूटिंग करना शुरू किया। ध्यान से सुनना जितने बच्चे बैठे वो, और कोशिश करिएगा कि इस कहानी से आपके लिए जो मर्म निकल करके आया उसको घर लेकर के जाएंगे तो शायद हमारा यह मैट्रिक्स ओलंपियाड करना सफल होगा। उसका नाम था कैरोली। कैरोली ने दाएं हाथ से शूटिंग करना स्टार्ट करा। 25 मीटर पिस्टल में उसने शूटिंग करना स्टार्ट करा। 1910 में उसका जन्म हुआ और 25 वर्ष का होते होते उसने न सिर्फ हंगरी बल्कि दुनिया के जितने बड़े चैंपियनशिप थे सारे जीत लिए। 25 वर्ष की उम्र होते होते बड़ा चैंपियन बन गया। जहां देखता उसका निशाना सीधा सटीक लगता। अब उसका केवल एक ही सपना था कि मेरे देश को मैं पहला गोल्ड मेडल दिलवाऊं, और वो भी किसमें? ओलंपिक्स में। हर खिलाड़ी का सपना होता कि वो ओलंपिक्स में गोल्ड जीते और अपने देश के लिए जीते। वो केवल उसका खुद का नहीं होता। जब आप अपना ध्वज लेकर के खड़े होते हैं तो वहां 155 करोड़ भारतीय आपके पीछे होते हैं। हमारे खिलाड़ी जब विदेश में पहुंचते तो उसकी भी इच्छा थी कि हंगरी उतना बड़ा बने। वो 1910 में पैदा होता है, 1935 में उसने सारे अवार्ड जीत लिए, 1936 का ओलंपिक होना था। उसने अपनी पूरी तैयारियां करी, ओलंपिक के लिए उसने क्वालिफाई भी किया, लेकिन उसको डिस्क्वालिफाई कर दिया गया 1936 के ओलंपिक्स में, क्योंकि वो आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर था, सर्जन था, और वहां उस समय केवल कमीशन्ड ऑफिसर्स को भेजते थे, सर्जन जो सर्जरी करने वाले डॉक्टर थे उनको ओलंपिक्स में नहीं भेजते थे, रूल था। उसके हाथ से 1936 का ओलंपिक निकल गया। बड़ा निराश हो गया, उसको लगा कि मैं मेरे दोस्त को एक ओलंपिक दिलाना चाहता था, दिला नहीं पाया। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, आगे तैयारी करते हैं। तभी अचानक से 1938 में एक चेंज आया और यह खोल दिया गया कि अब सर्जन भी ओलंपिक्स में भाग ले सकते हैं। तो कैरोली की आंख में फिर से एक सपना जागा कि 1940 का ओलंपिक आ रहा है, 1940 के ओलंपिक में मेरे देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आऊंगा। लेकिन तभी एक दुर्घटना घटती है, और वो चूंकि आर्मी में सर्जन था और आर्मी वालों को बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं, वो अपने एक ड्रिल में था, एक हथगोला उसके हाथ में था, प्रैक्टिस चल रही थी, ड्रिल चल रही थी, हथगोला उसको दूर फेंकना था, टाइमिंग्स थोड़ी सी चरमरा गई और वो हथगोला अचानक से उसके हाथ में ब्राम से फूट जाता है। हथगोला फटता है और उसके साथ साथ में कैरोली का ये दायां हाथ भी उसके साथ में उड़ जाता है। आप कल्पना करिए कि जिस लड़के का सपना अपने देश के लिए गोल्ड लाना हो, जो अपने दाहिने हाथ से पिस्टल उठाता हो, जिसके जिसके जीवन का सारा सपना ही इस हाथ पर निर्भर करता हो, ओलंपिक के केवल 2 साल पहले उसके हाथ से 1938 में हथगोला फट करके हाथ उड़ जाता है। आप और हम होते तो शायद निराश होकर के किसी कॉर्नर में बैठ करके रो रहे होते, लेकिन कैरोली एक कमरे में बंद कर लेता अपने आप को और एक द्वंद उसके मन में चलने लगता है कि मेरे सामने 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं पूरी जिंदगी रोते हुए अंधेरे कमरे में बिता दूं, और या मैं फिर से खड़ा हूं और मेरे देश को गोल्ड मेडल दिलवाऊं। लेकिन दिलवाऊं किससे? हाथ तो था ही नहीं। उसने कहा यदि ईश्वर ने मेरा दायां हाथ लिया है तो बायां अभी भी जिंदा है, मैं बायां से कोशिश करूंगा। कैरोली फिर उठ खड़ा होता है, बाएं हाथ में पिस्टल को थामता है और फिर से अपने कमरे में अपने घर में बैठ करके निशाने लगाने शुरू करता है। किसी को पता नहीं, हंगरी को पता नहीं, पूरा हंगरी निराश, क्योंकि जब कोई बेटा बड़ा काम करता है ना तो वो बेटा घर का नहीं रहता। परमजीत जी केवल और केवल दिनोद के नहीं है, आज हरियाणा के नहीं है, वो हिंदुस्तान के बेटे हैं। वैसे ही कैरोली पूरा हंगरी का बेटा था, पूरा हंगरी निराश था, लेकिन कैरोली ने अपनी प्रैक्टिस करना शुरू करा। 1940 के ओलंपिक्स के जो प्री ट्रायल्स होते हैं हंगरी में वो चालू हुए, शुरू हुए, तो सबने देखा कि अपने दाहिने हाथ के ऊपर एक कपड़ा डाले हुए कैरोली वहां चल करके पहुंचता है। खिलाड़ियों को लगा कि शायद कैरोली हमारा उत्साह वर्धन करने आया है, जो बाकी के खिलाड़ी है ना उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आया है। लोगों ने कहा आप पधारिए, आपने अच्छा कि आप आए, इतने बड़े खिलाड़ी के रूप में आप आए हैं, आप हमारा उत्साह बढ़ाने आए हैं। कैरोली का जवाब था मैं तुम्हारा उत्साह बढ़ाने नहीं आया हूं, मैं तुमसे कॉम्पीट करने आया हूं, हिम्मत है तो लड़ो और उसके बाद में देखो किसमें ताकत है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसका दायां हाथ है ही नहीं। कैरोली ने बाएं हाथ उठाया और पिस्टल से निशाने लगाने शुरू किए और उसने 1940 के पहले जो ट्रायल्स थे उसमें अपने आप को ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया और हंगरी की तरफ से फिर से वो लड़ने के लिए तैयार होकर के खड़ा हो गया। लेकिन अभी आपकी धड़कनें और बढ़ने वाली हैं। 1940 का ओलंपिक आता है और 1940 के ओलंपिक में हंगरी की तरफ से, बुडापेस्ट की तरफ से कैरोली टका जाने ही वाला था कि अचानक से विश्व युद्ध हो जाता है।
और विश्व युद्ध होते ही 1940 का ओलंपिक कैंसिल। कल्पना करिए, 1910 में पैदा हुआ बच्चा 30 वर्ष का हो गया, खिलाड़ियों की उम्र 30 वर्ष के बाद में रिटायरमेंट किया जाती है, लेकिन 1940 का ओलंपिक ही कैंसिल हो गया। फिर से कैरोली का सपना टूट गया, उसको लगा कि मैं फिर अपने देश को ओलंपिक नहीं दिला पाया, लेकिन विश्व युद्ध था, क्या किया जा सकता है, कैंसिल हो गया। लेकिन कैरोली ने हार नहीं मानी दोस्तों, उसने अगले 4 वर्ष लगातार फिर अपनी शूटिंग को जारी रखा और वेट करता रहा कि 1944 का जो ओलंपिक आएगा उसमें मेरे देश के लिए गोल्ड लाऊंगा। सपना देखिए, मोटिवेशन देखिए, सिर्फ एक घटना भर से टूट जाने वाले बच्चे, सिर्फ एक परीक्षा में केवल कुछ कम मार्क्स ला करके और अपने जीवन को बलिदान कर अपने घर वालों की आंसू आंखों में आंसू देने वाले बच्चे, इस बात को ध्यान से सुने, 1940 का ओलंपिक कैंसिल होने के 4 साल तक लगातार इंतजार करता कैरोली और 1944 का ओलंपिक्स आता है। 1944 के ओलंपिक्स में वो पूरी तैयारी के साथ खड़ा था, लेकिन उसका दुर्भाग्य देखिए कि वर्ल्ड कप, जो आपका विश्व युद्ध था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जारी था और 1944 का ओलंपिक भी कैंसिल हो गया। कैन यू इमेजिन इट, आप सोचिए 1944, 34 वर्ष का कैरोली, रिटायरमेंट की उम्र, सामने 2 ओलंपिक, दोनों कैंसिल, देश के लिए कुछ नहीं कर सका, निराश हो सकता था, कमरे में बैठ सकता था। उसने कहा कि उम्र सिर्फ एक नंबर होता है, यदि इरादे मजबूत हैं, यदि आपके संकल्प मजबूत हैं और आप अपने देश के लिए, खुद के लिए, समाज के लिए, जीवन के लिए जीने का मादा रखते हैं, उम्र कभी आपको रोक नहीं सकती। कैरोल ने कहा कोई बात नहीं, 1944 कैंसिल हुआ है, 1948 का इंतजार करते हैं, कितना चलेगा विश्व युद्ध। और आप सोचिए कि जब आपके संकल्प बड़े होते हैं तो विश्व युद्ध छोटे पड़ जाते हैं। 1948 का ओलंपिक आता है, कैरोली टकास वहां पर पहुंचा, 38 साल का एक आदमी, दायां हाथ नहीं बाएं हाथ से शूटिंग करता है, ओलंपिक्स में पहुंचता है। ओलंपिक शुरू होता है, कैरोली टकास अपनी पिस्टल को उठाता है, पहला निशाना साधता है और सीधा निशाना जाकर के गोल्ड पर मारता है और हंगरी के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाला बंदा बनता है कैरोली टकास 1948 के ओलंपिक में। और यदि आपकी हाथ अभी भी नहीं खुले तो इस बात से खुले कि कैरोली यही नहीं रुकता है, बल्कि 1952 में 4 साल के बाद में फिर से ओलंपिक होता है और फिर से बाएं हाथ से वो गोल्ड मेडल पर निशाना लगाता है और हंगरी को दूसरा गोल्ड मेडल दिलवा देता है। लगातार 2 गोल्ड मेडल 2 ओलंपिक्स में हंगरी की तरफ से मारने वाले उस कैरोली टकास ने साबित किया कि आपका मोटिवेशन परमानेंट ही होना चाहिए और वो आप अपनी क्षमताओं के ऊपर ध्यान रख करके कीजिए। यदि आप ये सोचते हैं कि कोई लक्ष्य आ गया है, एक बार वो नहीं मिला और हम उसमें आत्महत्या कर लें, सर ने भी बताया, मैं अभी कोटा था, पिछले 18 तारीख को कोटा में मेरा कवि सम्मेलन था और मुझे वहां दुख हुआ जान करके कि एक दिन में 6 बच्चों ने आत्महत्याएं की। आप सोचिए, जब आप अपनी परीक्षा को पढ़ना शुरू करते हैं तो दादा की आंखों में कितने सपने होते हैं कि जिसको मैंने अपने कंधे पर खिलाया है एक दिन वो मुझे अपने कंधे पर लेकर के जाएगा, घरों के साथ छोड़ करके आएगा। मां की कितनी रोटियां खा करके, मां के कितने सपने लेकर के बुन करके आप किसी स्थान पर पहुंचते हैं, पिता के कितने अरमान होते हैं, बहनों की कितनी इच्छाएं होती हैं, और ऐसे में केवल एक परीक्षा भर में असफल होना क्या हमें इतना तोड़ सकता है? इस तनाव का कारण क्या है? इस तनाव का सिर्फ एक कारण है, हमारी क्षमताओं और हमारे सपनों के बीच का अंतर। हम लोग सपने तो देखते हैं लेकिन अपनी क्षमताएं नहीं देखते। और इसमें जितने पेरेंट्स बैठे हैं उनसे भी एक शिकायत करूंगा, क्योंकि मुझे पूरे भारत में बच्चों से मिलने का सौभाग्य मिलता है। हम ये ध्यान रखें कि बच्चे हमारे माध्यम से संसार में हैं, हमारे लिए नहीं है। आपके माध्यम से वो संसार में आए हैं लेकिन आपके कारण नहीं आए हैं। वो अपने आप में एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, उनका अपना एक जीवन है, उनके अपने जीवन की अपनी इच्छाएं हैं, अपने सपने होंगे, वो उनको जिएंगे और उनको जीने के लिए पंख दीजिए, उनको खोलिए थोड़ा सा, उनको जीने दीजिए। आप कोशिश करिए कि उनकी मौलिक क्षमताओं को सामने आने दिया जाए। और जितने बच्चे बैठे, मैं एक और उदाहरण मुझे याद आता है, एक बार एक रेसलर था, जैसे सर मुक्केबाजी करते हैं, कुश्ती का एक लड़का था, उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो भी बड़ा एक चैंपियन बने, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसका अपना दायां हाथ उसने खो दिया। उसने अपने कोच से कहा कि सर मेरी इच्छा तो है कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूं लेकिन दायां हाथ नहीं है। गुरु ने कहा चिंता मत करो, तुम वर्ल्ड चैंपियन बनोगे, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। उसने अपनी ट्रेनिंग देना स्टार्ट करा और उसने अपनी ट्रेनिंग में उसको ऐसे दांव सिखाए कि वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया। उसको समझ में नहीं आया कि मेरे दायां हाथ नहीं, फिर भी मैं वर्ल्ड चैंपियन कैसे बन गया। तो उसने अपने गुरु से पूछा, जितने बच्चे बैठे वो अपने गुरुओं पर विश्वास करते समय बात ध्यान रखें। गुरु ने कहा बेटा मैंने तुझे दांव ऐसा सिखाया था कि तुझे चित्त करने के लिए सामने वाले को तेरा दायां हाथ पकड़ना पड़ता।
तेरे पास दायां हाथ है ही नहीं, वो तुझे कभी पकड़ ही नहीं पाएगा, तू दाव में आ ही नहीं पाएगा, जीत तेरे चरणों में आकर के लौटेगी, क्योंकि मैंने दाम ही वो सिखाया है। तो आप सोचिए, आपकी क्षमताएं भी चाहिए और आपकी मेंटरशिप भी वही चाहिए। और इसीलिए हम लोग यहां पर पहुंचे हैं कि चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, आपकी मेंटरशिप आप मैट्रिक्स के हाथों में दें। सारथी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोचिए कि भगवान कृष्ण ने जन्म उत्तर प्रदेश में लिया, लेकिन लठ बजाने के लिए हरियाणा कुरुक्षेत्र पहुंचे। और आप सोचिए कि महाभारत में 5 निर्वासित बच्चों को खड़ा करके दुनिया की सबसे बड़ी अक्षौहिणी सेना को हराने का मादा क्यों रखा? क्योंकि उसके सारथी भगवान कृष्ण थे। आप क्या करते हैं उसमें आपकी मेंटरशिप, आपके सारथी बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे तो अनगढ़ मिट्टी की तरह होते हैं, कुम्हार कौन सा है? महत्वपूर्ण यह है, वो उनको घड़ा बनाएगा या वो उनको केवल लोथड़ा भर बना देगा। आप अपने बच्चों को ऐसे सुरक्षित हाथों में ले जाकर के सौंपिए जिनमें क्षमताएं भी हो, जिनमें योग्यताएं भी हो, वो उनको शेप दे सकते हैं, वो उनको शिवाला बना सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते थे कि शिक्षक कभी साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि सृजन और प्रलय दोनों उसके हाथ में पलते हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनमें इतनी ऊर्जा है कि आप चाहें तो इनसे परमाणु बम बना सकते हैं, दुनिया को ध्वस्त करा सकते हैं, और आप चाहें तो इनसे बिजली बना सकते हैं जो अंधेरे घरों को रोशन कर सकती है। इसलिए हमें यह तय करना पड़ेगा कि बच्चों के जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण समय है, हम ये दावा नहीं करते, मैं मैट्रिक्स में यह दावा नहीं करता कि हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, बिल्कुल दावा नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं होता। लेकिन हम ये दावा कर सकते हैं कि आपके बच्चों को हमसे बेहतरीन रूम कोई दे सकता है, आपके बच्चों को हमसे बेहतरीन एसी कोई दे सकता है, आपके बच्चों को हमसे बेहतरीन कोई ना कोई उनकी पढ़ने की टेबल कुर्सियों की सुविधाएं दे सकता है, लेकिन यह दावा मैं करता हूं कि आपके बच्चों को हमसे बेहतर मेंटरशिप कोई नहीं दे सकता, आपके बच्चों को सबसे आगे बढ़ने का हमसे ज्यादा आत्मविश्वास इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इसलिए आप मैट्रिक्स में आइए, इसलिए एक बार विजिट करिए, एक बार वहां चल करके आइए, एक बार अनुभव कीजिए कि हम बच्चे को किस पाठशाला में सौंप रहे हैं। क्योंकि जिस काम को करने के लिए आप बने, आज आईआईटी में भेजना, हमारे पास आईआईटीएंस की पूरी फौज है, आपको डॉक्टर बनाना, डॉक्टर्स की पूरी फौज खड़ी है। आपको यदि बच्चे को कहीं ना कहीं तनाव आता है, तो उस बच्चे को घर से दूर अपनी मां के जैसा मातृत्व देने वाले हम जैसे लोग आपको मिल सकते हैं। और ये मैं इसलिए दावे से कहता हूं, मैंने कहा ना कि हम सुविधाओं की बात नहीं करते, लेकिन हम जानते हैं कि वो बच्चा केवल आपका भविष्य नहीं है, वो बच्चा केवल हरियाणा या समाज का भविष्य नहीं, वो देश का भविष्य है, और उसका भविष्य सुरक्षित हो ये सुनिश्चित करना मैट्रिक्स का काम है। जब कभी आपका मन करे शेखावटी में आए, मैट्रिक्स आपका परिवार है, वहां आए, मैं मिलूंगा, अनुपम सर मिलेंगे, न जाने हमारे जैसे कितने ऐसे लोग हैं जो दिन रात इस तपस्या में लगे हुए हैं कि आपके जीवन का, आपके बच्चे के जीवन का जो महायज्ञ है उसमें हमारी आहुति कमजोर ना रह जाए। और यह आपको भी तय करना है, क्योंकि बच्चे समझदार नहीं होते, बच्चों के सपने हर दिन हर पल बदलते हैं, उन बदलते सपनों में स्थायित्व लाने का काम आपको करना है। और वो काम आप तब कर सकते हैं जब वाकई में सही व्यक्ति के हाथ में उन बच्चों को सौंपा जाए। यह मैट्रिक्स ओलंपियाड इस बात के लिए नहीं है कि आज यहां से कुछ बच्चों को चेक मिलेंगे, कुछ को बड़े किट मिलेंगे, ये इस बात के लिए है कि आप अपना मूल्यांकन करें, आप कहां हैं। देखिए, आपको लड़ना पड़ेगा, इस बात से कहीं कोई कोताही नहीं समझिएगा कि हम लड़ाई की बात ना करें, क्योंकि नाम उन्हीं का होता है जिन्होंने लड़ाई लड़ी। ऐसा कहते हैं कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा? जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए लड़ना तो है, लेकिन तनाव के साथ नहीं, आत्मविश्वास के साथ, अपनी क्षमताओं को जान करके लड़ना है। सर को पता था वो बॉक्सिंग अच्छी कर सकते हैं, चेहरा देखो इनका, 34 वर्ष की उम्र में चेहरा ऐसा है जैसे किसी तबले पर जो ऊपर का जो सरफेस होता है, कोई सलवट नहीं है पूरे चेहरे में, क्योंकि उन्होंने मुक्के खाए हैं। इनको पता था मेरा चेहरा मुक्के खा सकता है, मुक्के खा करके डीएसपी बने, माइक पकड़ करके भाषण देना इनका काम नहीं था। इनको अपनी क्षमता पता थी, इनके परिवार को भी क्षमता पता थी, और जो अपनी क्षमताओं के साथ आगे बढ़ता है उसको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इसलिए यहां बैठे हुए जितने बच्चे हैं वो समझ लें कि आप सब लोग अपने आप में विशिष्ट हैं, आप में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि जिसमें क्षमताएं नहीं है। फर्क इतना सा है, अपनी जिंदगी का पेपर किसी और को देख करके सॉल्व मत कीजिए। सामान्य से 5.5 फीट के सचिन को यदि कोई कह देता कि तू गाना गा ले, वो कभी नहीं गा सकता था, लेकिन जब वो लड़का बैट लेकर के दुनिया के साथ में खड़ा होता था तो 150 करोड़ का भारत पीछे होता था और क्रिकेट का भगवान बनकर के सामने आता है। इसलिए अपनी क्षमताओं को पहचानो, ये तय करो कि आप किस लिए बने हो, और उसकी पहचान आप अकेले नहीं कर पाएंगे, उसके लिए अच्छे मेंटर्स होना जरूरी है। हमारे इस कार्यक्रम में हमने देखा कि बहुत सारे शिक्षाविद आए हैं, मैम आए हैं, सरपंच साहब पधारे हैं, अनेक अकेडमियों के लोग यहां पर पधारे हैं, तो मैं सबका अभिनंदन करता हूं।
और वाकई में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। जब मैं आया था तो ऐसा लग रहा था कि क्या ये स्टेडियम, ये पूरा जो ऑडिटोरियम है भरेगा, लेकिन अभी कहीं पैर रखने की जगह नहीं। हमने सामने कुर्सियां लगा दी है, साइड्स में कुर्सियां लगा दी है, आपको असुविधा हो रही है, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहूंगा कि इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं। लेकिन हमारे लिए हर्ष भी है कि जब किसी को आप आमंत्रित करें और इस संख्या में लोग पहुंचे तो ये आपके प्रति दिखाए गए विश्वास का, आपके प्रति दिखाए गए स्नेह का प्रतीक है। तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगा इस बात को लेकर के कि गांठ को बांधो नहीं कि खोलना पड़े, पाप को पालो नहीं कि धोना पड़े, जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि मौत को भी मौत पर रोना पड़े। कोशिश करिएगा कि जिस दिन आप अपने जीवन के अंतिम यात्रा की ओर जाएं तो आप स्वयं से नजरें मिलाने का भाव रख सके। और सफलता इस बात में कहीं नहीं है, किसी तरीके से कोई पैमाना नहीं होगा कि कौन कितना सफल हुआ, ये सबका इंडिविजुअल मैटर है। आप यदि अपने परिवार की आंखों में देखने वाले सपनों को पूरा कर पाए, आप अपने माता पिता को खुश कर पाए, उनका गौरव बन पाए, तो बच्चों मैं आपसे कहूंगा कि आप देश का भी गौरव है। दुनिया का गौरव बनने की आवश्यकता नहीं है, माता पिता की आंखों का गौरव बन जाइए, आपकी यात्रा वहीं संपूर्ण होती है। मैं ज्यादा नहीं बोल करके फिर से सुथार जी को आमंत्रित करता हूं। सुथार सर आए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं क्योंकि बच्चों को आगे की ओर जाना है। और मैंने फिर से कहा किसी दिन आपका ऐसा स्नेह रहा तो फिर किसी दिन भिवानी में आएंगे, फिर एक दिन वार्तालाप करेंगे, फिर आपके साथ एक लंबी बातचीत होगी। आपने जो स्नेह दिखाया है, आप जितनी संख्या में यहां पर पधारे हैं, मैट्रिक्स की ओर से मैं हृदय के अंतस्थल से आभार व्यक्त करता हूं। और हमें इंतजार रहेगा कि आप जब भी शेखावटी आएंगे, महत्वपूर्ण नहीं कि आप अपने बच्चे का एडमिशन कहां कराते हैं, जहां मर्जी आए वहां करवाएं, यह आपका निर्णय है, लेकिन शेखावाटी में और मैट्रिक्स में ना आए ऐसा कभी ना हो। आप आए तो हमसे मिलिएगा जरूर, आपके साथ बिताए गए इन क्षणों को याद करेंगे, ताजा करेंगे, मिलकर कोशिश करेंगे कि आपके बच्चे को एक बड़ा शिवाला बना करके देश बनाने जैसा बना सके। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। हमने डायरेक्टर सर को सुना, अनुपम अग्रवाल सर को, विष्णु पारिक सर को सुना। मोटिवेटेड भरपूर है, अतोत्साहित हैं सब सारे स्टूडेंट्स। क्यों, एक बार हाथ उठा के बताएं सब लोग, जिस मोटिवेशन के साथ में आप यहां पे प्रांगण इसमें यहां पे आए हैं वेन्यू पे ऑडिटोरियम में, मोटिवेशन भरपूर है कि नहीं? हाथ कम उठे हैं, अभी भी मोटिवेशन की कमी रह गई। थैंक यू डीएसपी साहब, अनुपम अग्रवाल सर और विष्णु सर के का जो उद्बोधन है उसकी कुछ समरी में आपके साथ में शेयर करता हूं कि विष्णु सर ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि आप अपने माता पिता के गौरव बन जाइए, देश के गौरव तो अपने आप ही बन जाएंगे। क्योंकि माता पिता वो लोग हैं, माता पिता ही है जो आपकी तरक्की, सबसे ज्यादा आपकी तरक्की चाहते हैं। माता पिता और गुरु सबसे ज्यादा आपकी तरक्की चाहते हैं, लेकिन यही वो लोग हैं जो आप कितनी ग्रोथ कर लें आपको ये कहेंगे नहीं 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 अभी पूरा नहीं हुआ है। और ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि माता पिता, सभी माता पिताओं से मेरी गुजारिश है कि आपका बेटा आपका गौरव बनेगा, किसी वर्मा जी, चटर्जी, मुखर्जी या शर्मा जी का गौरव नहीं बनेगा। तो इसके लिए कभी भी अपने बच्चे को पड़ोस के बच्चे से कभी भी तुलना ना करें, क्योंकि पड़ोसियों का काम हमेशा से बिल्कुल सिद्धांत यह रहा है पड़ोसियों का शिकायत करना, और वो आगे भी शिकायतें करेंगे। क्योंकि आपके पड़ोसी पहले तो शिकायत करते थे, पुराने जमाने में तो जो पड़ोसी थे वो शिकायत करते थे कि आपका बच्चा लाइन पे नहीं है। और आधुनिक जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, जो आपके वर्मा जी, जो चटर्जी, मुखर्जी हैं, वो शिकायत करते हैं कि आपका बच्चा ऑनलाइन है। तो उनकी शिकायत कितने लोगों को समझ में आई ये बात? तो हम लाइन पे, जब लाइन पे नहीं थे तब भी शिकायतें थी, अब ऑनलाइन हो गए तो भी शिकायतें। इसलिए विष्णु सर का उद्बोधन, डायरेक्टर सर का उद्बोधन, डीएसपी साहब का उद्बोधन इंस्पायर ही होना है आपको, क्योंकि हम लोग की एक कमी है कि हम एक बार इंस्पायर होते हैं और जब मेहनत करने की बारी आती है तो एक्सपायर होते हैं। कैसे आपको अपने आप को इंटरनल मोटिवेटेड रखना, ये डीएसपी साहब ने खुद आपके सामने सिद्ध किया है कि इन्होंने पहले कहा कि मैं नर्वस हुआ, लेकिन वापस अपने सीट पे जाके इन्होंने आत्ममंथन किया कि मैं नर्वस कैसे हो सकता हूं। जब मैं उस रिंग में मैं नर्वस नहीं हुआ तो इस मैं मेरे अपनों के बीच में नर्वस कैसे हो सकता हूं। वापिस आए, अपनी बात आपके सामने फिर रखी कि मेरे अपने बच्चे, मोटिवेशन की उनकी कमी नहीं रहनी चाहिए। सम्मान समारोह की कड़ी में हमारे बीच में उपस्थित है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए, श्री भवानी सिंह जी। श्री भवानी सिंह जी, आप नगर परिषद भिवानी के चेयरमैन हैं।
और इनको इनका स्वागत करने के लिए मैं अनुपम अग्रवाल सर, विष्णु पारिक सर को बुलाना चाहूंगा कि कृपया आप मंच पे आए और चेयरमैन साहब का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत चेयरमैन साहब का। वेलकम सर। थैंक यू सर। विष्णु सर, अनुपम सर, एक बार आप यही रहे प्लीज। इसी बीच हमारे बीच में आपके भिवानी जिले के स्टूडेंट्स जो मैट्रिक्स में पढ़ के और डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज में और एनआईटीज में पढ़ रहे हैं, हमने कोशिश की कि आपके अपने बच्चे यहाँ आके अपने छोटे भाई बहनों को मोटिवेट करें, उनके सामने उनका आदर्श बन सके। हमारे बीच में हिमांशु कुमार आए हैं, हिमांशु कुमार के पेरेंट्स आए हैं। हिमांशु एनआईटी कुरुक्षेत्र में पढ़ रहा है अभी। हिमांशु कुमार के पेरेंट्स प्लीज। हिमांशु कुमार, आपके पिताजी विनोद कुमार जी, आप भी इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, कृपया मंच पे आए। हिमांशु अभी एनआईटी कुरुक्षेत्र में पढ़ाई कर रहा है। दो हजार 17-18 में मैट्रिक्स के पास आउट हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने नौनिहालों को हमें सौंपा और हमारे प्रयास से हमने अपनी कोशिश की, बच्चों ने अपनी मेहनत की और बच्चे वहां तक पहुंचे हैं। सर एक बार अपनी कुछ बात बोलना चाहते हैं, मैं अनुरोध करता हूं। नमस्कार सभी साथियों को, सभी इस ऑडिटोरियम में आए भाइयों को, बहनों को, युवाओं को, नौजवानों को, लेडीज को, जेंट्स को, माताओं को, बहनों को और विशेषकर इस भारतवर्ष के उज्ज्वल भविष्य के प्रतीक प्यारे बच्चों को, जिनके लिए आज ये ऑनर टैलेंट ऑनर ये आज इस प्रकार ऑर्गेनाइज किया गया है राजस्थान की तरफ से। बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, इट इज माय ड्यूटी टू टेल यू ऑफ यू के जिस प्रकार से आप अपने बच्चों को एक नई दिशा देने के लिए, नया ज्ञान देने के लिए, नई ऊर्जा देने के लिए, नया जोश देने के लिए और नया स्टेटस देने के लिए आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ इस वर्ष के अंतिम पड़ाव में और आने वाले ऊर्जावान वर्ष 2023 के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी आन मान शान और देश के भविष्य के प्रति के प्यारे बच्चे नाम रोशन करें हर एंगल पे। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट, इनका जो इंप्रेशन था, इनका वे ऑफ टेलिंग था, बच्चों को टैकल करने की पावर थी, बच्चों को सिखाने की पावर थी, बच्चों को बताने की पावर थी, वो मुझे काफी पसंद आई और मेरे बच्चे ने वहां से बहुत बढ़िया रैंकिंग के आधार पर कुरुक्षेत्र में एनआईटी में बढ़िया टॉप रैंकिंग में बढ़िया प्लेस पाया। ये सब क्या था, व्हाई इट वाज हैपन ऑल ऑफ दिस, ये सब केवल मेरे कारण नहीं, केवल इनके कारण नहीं, ये आप लोगों की दुआओं के कारण।
आप लोगों के आशीर्वाद के कारण, बच्चे की मेहनत के कारण आज मेरा एक बच्चा AIIMS में MBBS कर रहा है, एक मेरा बच्चा इंजीनियर कर रहा है, एक छोटे से कर्मचारी के लिए दो बच्चे, एक इंजीनियर हो जाए, एक MBBS कर ले, और इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी। बहनों, मैं कहना चाहता हूं आपके बच्चे का जो पहला स्कूल है वो उसकी माँ है, वो उसकी माँ है। हम जेंट्स हैं, हम पुरुष हैं, हम परिवार चलाते हैं, हमारी तरह तरह की समस्याएं होती हैं, हम बच्चे के ऊपर 24 आवर्स निगरानी नहीं कर सकते। एक माँ उसको नई गाइडेंस दे सकती है। मेरी मैसेज मेरे साथ है। मैं कहना चाहूंगा सभी अन्य महिलाओं को, बहनों को, कि आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए, आप अपने बच्चे को टैकल कीजिए, आप अपने बच्चे को नई दिशा दीजिए, आप अपने बच्चे को चेक कीजिए, व्हाट ही इज डूइंग नाउ, वेयर इज टाइम इज स्पेंडिंग, कहां क्या कर रहा है, कितनी पढ़ाई कर रहा है, कितनी सिटिंग पावर है उसकी। जब आपका बेटा पढ़ाई की में मन लगेगा, किताब के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बैठेगा, तो वो कुछ लेके उठेगा, बहुत कुछ लेके उठे। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मैट्रिक्स ने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी, और वो आप यहां आए, हम सबको इंस्पायर किया, हम सबको प्रेरित किया, हम सब ने आपसे सीखा है। और मैं यही कहूंगा कि समता मैसेज और समता, और हम जैसे लोग, हमारा अपना अपना एंगल होता है, हमारी अपनी अपनी सर्कमस्टेंसेज होती हैं, हमारा अपना अपना सर्कल होता है, हम अपने अपने सर्कल में तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का जिस प्रकार से अपना एरिया होता है, इलाका होता है, फील्ड होता है, क्षेत्र होता है, हम स्पोर्ट्स में किया, बच्चे एजुकेशन में कर रहे हैं, तो अपने बच्चे को एजुकेशन और स्पोर्ट्स दोनों में टैलेंट देखिए। अगर बच्चा स्पोर्ट्स में जा रहा है तो उसको प्रेशराइज मत कीजिए। कई बार हम दोस्तों क्या करते हैं, एक मिनट लूंगा सर, कई बार क्या कहते हैं, बच्चे को हम प्रेशराइज करते हैं, मनी किसी आर इंप्रूविंग ऑफ द सोसाइटी। कभी भी अपने बच्चे को प्रेशर मत डालिए पढ़ाई के बारे में। आप बच्चे को प्रेशर डालोगे, यार फलाना आला राजेश का छोरा इतना टैलेंट हो गया, वो तेरे से आगे निकल गया, तू पिछड़ रहा है, वो बच्चा टेंशन में आ जाएगा, तनाव में आ जाएगा। आपके मैंने अपने बच्चों को कभी ये कहा, पापा ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अब ये चल रहा है, वो चल रहा है, मैंने कहा बेटा अड़ंग बड़ंग खा के दड़ंग मारो गड़ंग, देसी भाषा बता रहा हूं, कभी भी टेंशन मत लेना, तनाव मत लेना, आराम से पढ़ाई करो, तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, और तुम्हारे बराबर कोई भी नहीं है, इधर उधर बराबर देखने की जरूरत नहीं है। जब रेसर दौड़ता है तो उसका एम्बिशन एक ही होता है कि मैं सबसे पहले अचीवमेंट को हासिल करूं। अगर वो रेसर दौड़ने वाला साथ देखेगा कि ये मेरे से पहले ये भागेगा तो वो कभी अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सकता। मैंने यही कहा कि बहुत बढ़िया कर रहे हो, आप अपने बच्चे को प्रेशराइज मत कीजिए, उसको करने दीजिए, वो बहुत बढ़िया कर रहा है, आप उसके लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, आप उसके लिए केवल सुविधाएं मुहैया करवाइए, बच्चा अपने आप करेगा। तो थैंक्स ए लॉट कि आपने मुझे इतनी देर झेला, मेरी बात सुनी। मैं फिर से नववर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि नववर्ष 2023 आपके लिए सबके लिए मंगलमय हो। धन्यवाद। थैंक यू सर। एक और हमारी स्टूडेंट आई हुई है स्वीटी, NIT इलाहाबाद में आप पढ़ रही हैं, 2017-18 बैच की थी, अभी पास आउट हो गई हैं आप। स्वीटी NIT इलाहाबाद, स्वीटी के पेरेंट्स स्वीटी स्वामी, डॉक्टर ऑफ श्रीमान राजेश कुमार जी, आप कृपया मंच पे आए। NIT 2017-18 में आप पास आउट हुई हैं मैट्रिक से, मैट्रिक की स्टूडेंट्स आप थे।
थैंक यू सर। दो शब्द कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं भिवानी जिला वासियों की तरफ से आपको हमारे जिले में पधारने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आगे हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा देकर उस स्तर पर पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू स्वीटी, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, कैरी ऑन। इसी बीच हमारे साथ में मीडिया से भी कुछ हमारे साथी आए हुए हैं, तो हम उनका भी सम्मान समारोह सम्मानित करना चाहेंगे। सबसे पहले बोलना चाहूंगा योगेश परमार जी, आप खबर फर्स्ट नेशनल न्यूज चैनल से हैं। योगेश परमार जी प्लीज। और योगेश जी के बाद में अमित ठाकुर सर को बुला रहे हैं। अमित ठाकुर जी भिवानी हलचल से आप हैं। थैंक यू सर। कार्यक्रम में आगे मैट्रिक्स ओलंपियाड 2022 के भिवानी और चरखी दादरी जिले के जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स हैं, जो विनर स्टूडेंट्स हैं, उनका सम्मान समारोह हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, ये मैट्रिक्स ओलंपियाड के विनर्स की 3 कैटेगरी थी। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपने जब रिजल्ट देखा होगा तो आपने रिजल्ट में भी देखा होगा। भिवानी और चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, सबसे हाईएस्ट जो कैश प्राइज है वो 2100 रुपए है। 2100 कैश प्राइज प्लस इनको अवार्ड किट है। यहां से हम शुरू करेंगे। कैश प्राइज देने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए विष्णु सर हमारे साथ है ही, मैं डीएसपी साहब मैडम और चेयरमैन सर को बुलाना चाहूंगा कि आप कृपया मंच पे आए और बच्चों का अपना आशीर्वाद प्रदान करें। प्लीज सर। सबसे पहले आर्यन चौरान 9th क्लास के हैं, ये चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट के हैं, 2100 रुपए कैश प्राइज में हैं। आर्यन चौरान गर्व, ये गर्व भिवानी जिले के हैं, ये 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। गर्व बेटा आप आ रही हो? गौरव कुमार, हाँ तालियां तो बिल्कुल बजानी चाहिए आपको। आप नहीं बजाएंगे तो आपके लिए कौन बजाएगा? तन्मय यादव, जितने लोगों का नाम, जितने स्टूडेंट्स का नाम मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूं, वो कृपया मंच पे आते जाएं। तन्मय यादव, गौरव सांगवान, हर्षित शर्मा, ये 10th के हैं, नवीन शर्मा, ये 1100 रुपए कैश प्राइस प्लस अवार्ड किट की कैटेगरी के विनर स्टूडेंट्स हैं, उनको बुलाया जा रहा है। 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स का नाम मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूं। 11th क्लास में आकाश, कोमल, मुस्कान, राजीव, संध्या, उमेश मान, विनीत कुमार, योगेश कुमार, अंजलि कुमारी, अंजलि 12th की है। जतिन, महेश, पायल दैया, पीयूष, पीयूष दूसरे पीयूष सन ऑफ दीपक मेहता, साक्षी, तनिष, यूसुफ खान,
1100 रुपए कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट की कैटेगरी के नाम अनाउंसमेंट कर चुका हूं मैं। मंच पे कृपया एक एक करके आए ताकि मंच मैट्रिक्स ओलंपियाड के चरखी दादरी और भिवानी जिले के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मैट्रिक्स सम्मानित कर रहा है। 1100 रुपए कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट की कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। इस प्रोग्राम के फोटोग्राफ्स आपको मैट्रिक्स के वेबसाइट से और मैट्रिक्स के फेसबुक पेज से आपको मिल सकते हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको लिंक दिखाई देगा। लेफ्ट साइड से आप आएं और राइट साइड से दो सीढ़ियां बनी है वहां से आप आएं। नाम अनाउंसमेंट होने के बाद में जो वेरिफिकेशन काउंटर है वहां पे आप अपनी आईडी दिखाएं। ₹1100 कैश प्राइस प्लस अवार्ड किट की कैटेगरी के जो विनर स्टूडेंट्स हैं उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे चेयरमैन सर का, डीएसपी साहब का, विष्णु पारिक सर का, आप बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप वेरिफिकेशन काउंटर पे डिस्कस कर लें। अनुपम सर मैट्रिक्स के डायरेक्टर सर से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया आप मंच पे आएं। अभी केवल 1100 रुपए कैश प्राइज वाले स्टूडेंट हैं जिनका मैंने नाम अनाउंसमेंट किया है, केवल वही वेरिफिकेशन काउंटर पे जाएं। देखिए आप लोगों के लिए हो सकता है कि 1100-2100 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट ना हो, लेकिन इन बच्चों के लिए ये करोड़ों की जैसा है। आपको पहली बार जब इनाम मिलता है ना बच्चे को, वहां से उसको इतना मोटिवेशन मिलता है कि वो अगले इनाम की ओर दौड़ता है। तो आप जितनी शांति से बैठे मुझे लगता है बच्चों के साथ न्याय नहीं है। बार जोरदार तालियां बजाइए इन बच्चों के लिए और थोड़ा सा जाग करके बैठिए। हरियाणा के लोग क्या इतने ढीले ढाले बैठे हैं, और फटाफट इस कार्यक्रम को आगे क्यों संचालित करते हैं।
सारे फोटोग्राफ्स आप मैट्रिक्स के वेबसाइट पे और मैट्रिक्स के फेसबुक पेज पे आपको लिंक अवेलेबल होगा, उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तालियां कम बज रही आपकी। यहाँ पे जो आपको चेक दिया जा रहा है ये डमी चेक है, ओरिजिनल चेक आपको बाहर निकल के, बाहर काउंटर लगा हुआ है वहां से लेना है, अपना आईडी दिखा के। आपके मोटिवेशन में कोई कमी नहीं देनी चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करती रहें आप। शुरुआत में आपकी तालियां ही है जो इनको सुनने से शिखर तक पहुंचाएंगी। अगर आपके जिनका नाम बोला जाए केवल वही आए। अभी हम केवल 1100 रुपए कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट की कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स है केवल उनको उनका नाम अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो 500 रुपीज कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट की है, फिफ्थ क्लास से स्टार्ट करेंगे, फिफ्थ क्लास अल्फाबेटिकली। सबसे पहले फिफ्थ क्लास भव्य सांगवान, दक्ष वशिष्ठ, दीक्षा, दीक्षा डॉटर ऑफ अजय कुमार जी हैं, हेमंत, मयंक जांगड़ा, समृद्धि परमार, श्रेया गुप्ता, अनुभव सांगवान, ये सिक्स क्लास के, जितिका यादव, शिवम दाइया, तेजस, तुषिका यादव, उदित कुमार, ये सिक्स क्लास के हैं। क्लास सेवेंथ अश्विन काद्यान, क्लास से कुछ और स्टूडेंट्स, दीपांशु सिंगला, दुष्यंत सिंह भाटी, नमन, याशिका, 500 रुपीज कैश प्राइज प्लस अवार्ड कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्लास नाइन्थ तक अनाउंसमेंट कर चुके हैं। आपको आपने रिजल्ट में देखा होगा कि आप किस कैटेगरी के हैं। क्लास टेंथ अरुण शोराण, नीतीश शोराण, प्रगति फोगाट, रोनित थकान, तमन्ना सांगवान, वैभव। टेंथ के बाद में क्लास इलेवेंथ अमित, अनुज कुमार, देवन, कीर्ति, कृष कुमार, मधु कटारिया, मुस्कान, रितेश कुमार, समीर, सिमरन कौर, तनु, वंशिका। क्लास इलेवेंथ तक के अनाउंसमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, नेम अनाउंसमेंट हो चुके हैं। 500 रुपीज कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट कैटेगरी के जो विनर स्टूडेंट्स हैं क्लास ट्वेल्थ खुशबू, कुसुमलता, लक्ष्य, मयंक, मेघा, मुस्कान, नेहा, प्रिया सांगवान, राकेश, साहिल, युक्ता। 500 रुपीज कैश प्राइज प्लस अवार्ड कैटेगरी के फिफ्थ क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं उनका नेम अनाउंसमेंट कर चुके हैं।
हमने तालियां बजाने के लिए बंद करने के लिए तो नहीं कहा था। विष्णु सर के लिए, डीएसपी साहब के लिए, सरपंच साहब के लिए जोरदार तालियां, और इन बच्चों के लिए भी जोरदार तालियां जिन्होंने इतना बड़ा मंच सजाने का हमें अवसर दिया है। वेरिफिकेशन काउंटर पे जिसका नाम अनाउंसमेंट हो, कोई एक ही व्यक्ति जाके, कोई स्टूडेंट या उसके पेरेंट्स को एक ही जाके अपना कार्ड दिखा के वेरीफाई करवा ले, बाकी फोटोग्राफ्स के लिए सीधे मंच पे आ सकते हैं अपने बच्चे के साथ में। ₹500 कैश प्राइज प्लस अवार्ड गेट की कैटेगरी के विनर स्टूडेंट्स हैं, विनर्स हैं जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो 250 कैश प्राइज प्लस। अभी 500 की कैटेगरी में हम क्लास 9th तक अनाउंसमेंट कर चुके हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ₹250 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट के कैटेगरी के जो विनर स्टूडेंट्स हैं उनको हम बुलाना चाहेंगे। ₹50 कैश प्राइज प्लस अवार्ड गेट की कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 5th से स्टार्ट कर रहे हैं। अज्वल उपाध्याय, अर्चिता,
हमारे बीच में हमारा स्टूडेंट अनिल 2017-18 में मैट्रिक से पास आउट होकर आईआईटी गुवाहाटी में आप पहुंचे थे। अनिल सन ऑफ श्रीमान सतवीर सिंह जी, अनिल प्लीज आप मंच पे आए। आप आईआईटी गुवाहाटी में पहुंचे हैं, मैट्रिक्स के 2017-18 के पास आउट स्टूडेंट्स हैं। एक आप लोग फोटोग्राफ के लिए चिंतित ना हो, मैट्रिक्स एजुकेशन के जो साइट है, वेबसाइट है, वे मैट्रिक्स ओलंपियाड की है, हमारा फेसबुक पेज है मैट्रिक्स का, ये सारे फोटोग्राफ्स वहां पर होंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हमारे अतिथि पधारे इनके लिए एक बार जोरदार ताले बजा दीजिए। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू सर। क्लास फिफ्थ 250 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट आर्यन, क्लास फिफ्थ के हैं आर्यन, भाविका, जतिन बिजारणिया, ज्योति बामल, केशव सिंह, कुणाल सिरोहा, पीयूष यादव, रोहन, ये क्लास फिफ्थ के थे। उसके बाद में क्लास सिक्स में अभिषेक, देव सांगवान, गुरमीत सिंह, हर्षित यादव, हिमांशी कुमारी, जतिन सैनी, कनिष्क चौधरी, प्रतिज्ञा वत्स, ऋषव, तनिष यादव, ये क्लास सिक्स के स्टूडेंट थे। इसके बाद में क्लास सेवंथ, अमन शर्मा, अनुज, हैप्पी शर्मा, लक्ष्य राठी, प्रांजल अहलावत, संस्कृति सिंह, श्रेष्ठ पारासर, ये 250 कैश प्राइज प्लस अवार्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। ₹250 कैश प्राइज प्लस अवार्ड के कैटेगरी के विनर स्टूडेंट्स हैं ये। स्नेहा, आप अपना नाम नेम वेरीफाई कराने के लिए स्टूडेंट या पेरेंट्स में इसको एक ही जाके वेरीफाई करवा लें ताकि स्नेहा उपासना क्लास सेवंथ के स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास सेवन के बाद में क्लास एट्थ के स्टूडेंट्स जो ₹250 कैश प्राइज प्लस अवार्ड कैटेगरी के विनर हैं, क्लास एट्थ में अल्फाबेटिकली नेम में बुला रहा हूं स्टूडेंट्स को, अभिषेक, दीपेश कौशिक, दिव्या तंवर, गीत, हिमांशु, हितेश अहलावत, जागृति बिदानी, क्लास एट्थ के स्टूडेंट्स हैं जो 250 कैश प्राइज प्लस अवार्ड कैटेगरी के विनर हैं। ज्योति, मोहित, मोहित यादव, पार्थ, प्रियंका ढुल, शिवम, स्नेहा शर्मा, वंदना, वंशिका सांगवान, क्लास एट के स्टूडेंट्स का नाम अनाउंसमेंट कर चुका हूं। फिफ्थ क्लास से लेके एट्थ क्लास के स्टूडेंट्स जो ₹250 कैश प्राइज प्लस अवार्ड कैटेगरी में हैं, किसी कारणवश आप यहां पे नहीं थे या नाम अगर नहीं सुन पाए थे तो आप वेरिफिकेशन काउंटर पे जाके वेरीफाई करवा के आप स्टेज पे आए।
अनुपम अग्रवाल सर के लिए, डीएसपी साहब के लिए, सरपंच साहब के लिए, मैम के लिए जोरदार तालियां और जोरदार तालियां इन ननिहालों के लिए जिनकी वजह से आप और हम सब एकत्रित हुए हैं। इस प्रोग्राम के फोटोग्राफ्स आप हमारी वेबसाइट से और हमारे फेसबुक पेज से, वहां पे आपको लिंक अवेलेबल होगा, उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका ओरिजिनल चेक आप बाहर काउंटर से लें और सर्टिफिकेट पे अपना नेम भी, प्रॉपर नेम आप वहां से लिखवाएं। ₹250 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट कैटेगरी के जो विनर स्टूडेंट्स हैं, 8th क्लास के स्टूडेंट्स तक नेम हम अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 9th क्लास के स्टूडेंट्स अल्फाबेटिकली मैं बुला रहा हूं, कोमल, क्रिश शर्मा, मिलन सेरावत, पीयूष, प्रीतम, रीनू डूडी, रितेश कुमार शोराण, सौरव यादव, तमन्ना, क्लास 9 तक हम अनाउंसमेंट कर चुके हैं। अगर आप कैटेगरी के विनर हैं, आपके पास रिजल्ट है, हमने इन्फॉर्मेशन आपको रिजल्ट के थ्रू भी भेजी थी, किसी कारणवश आप अपना नाम नहीं सुन पाए हैं या आप यहाँ पे नहीं थे, तो आप वेरिफिकेशन काउंटर पे जाके अपना नेम वेरीफाई करवा के स्टेज पे आए। हरियाणा के जितने लोग हैं वो दूध दही खाने वाले लोग हैं, ऐसा कहते हैं, हरियाणा को दूध प्रदेश भी कहा जाता है, और ये जो बच्चे हैं ये भारत का भविष्य भी हैं। मैं चाहूंगा एक बार जितने लोग बैठे हैं अभी तक जिनका नंबर नहीं आया, वो एक बार जिनको इनाम मिल गया उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, छोटे छोटे बच्चे कह रहे बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और ये देखिए बचपन ही है जिसमें ये सारे आनंद है, बड़े होने के बाद में हम लोग मुस्कुरा नहीं पाते, तालियां नहीं बजा पाते, पता नहीं क्या आ जाता है, और बचपन में बड़े आनंद के साथ सारे काम करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए इन बच्चों के साथ बच्चे बन जाइए और फिर से एक बार तालियां बजा करके इनका उत्साह बढ़ा दीजिए। बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू सर। ₹250 कैश प्राइज प्लस अवार्ड के कैटेगरी के जो विनर स्टूडेंट्स, 10th क्लास के स्टूडेंट्स के को मैं बुलाना चाहूंगा, अंकित चौराण, देवांशी वर्मा, हेमन, जिया चौराण, मनीष, मेहुल, नैन्सी, रिया फोगाट, श्याम अग्रवाल, वंशिका, क्लास 10 तक स्टूडेंट्स को हम अनाउंसमेंट कर चुके हैं। ₹250 कैश प्राइज प्लस अवार्ड कैटेगरी के विनर स्टूडेंट्स हैं। आप अगर तालियां नहीं बजाएंगे तो फिर आपके लिए कौन बजाएगा? बजवानी तो आपको भी है, और ये आपको किसी परायों के लिए नहीं बजानी, आपके अपने हैं, इनके लिए बजानी है। आप इनको अगर मोटिवेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, ये नैतिक जिम्मेदारी बन चुकी है हमारी। क्लास 10th के बाद में 11th क्लास के स्टूडेंट्स जो ₹250 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट कैटेगरी के विनर है उनको मैं बुलाना चाहूंगा, आरती, आशु धनकड़, आयुष शर्मा, दीपांशु गोयल, दीपिका, गरिमा, गौरव, गुरदीप, हिमानी, इशिता, जया, कोमल, लक्ष्य,
लोकेश कुमार, मनीष, मीनाक्षी, मोनू कुमार, नताशा, नवीन, रितेश देशवाल, रोहित ग्रेवाल, सुमीर, 11th क्लास तक, 5th से लेके 11th क्लास तक सारे स्टूडेंट्स का हम नेम अनाउंसमेंट कर चुके हैं। वेरीफाई करवाने के लिए कोई एक स्टूडेंट या कोई भी पेरेंट्स वेरिफिकेशन काउंटर पे चले जाएं। देखिए, हमने बहुत बार ऐसा सुना है, हम सब जानते हैं कि एक जितने बच्चे बैठे हैं सर भी यहां पर खड़े हैं, ऐसा माना जाता है कि हरियाणा में बेटियां बहुत कम थी। अब उसका कारण क्या रहा जो भी रहा होगा, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि इससे पिछला जब ओलंपिक था तो 135 करोड़ का देश एक ओलंपिक पदक के लिए तरस रहा था, तभी आपकी इसी हरियाणा की दो बेटियां निकली थी और उन्होंने भारत की लाज बचाई थी। इसलिए हरियाणा की बेटियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। भले ही संख्या में कम हो, लेकिन दुनिया का कोई खेल नहीं है जिसमें यहां की बेटियों की धाक नहीं है। तो जो यहां के पेरेंट्स हैं, जिस तरह से बच्चों को तैयार करते हैं, वो वाकई में अद्भुत है। हरियाणा बहुत सारे मामलों में विशिष्ट है। मैंने कहा ना, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान, दुनिया का सबसे बड़ा गीत जो युद्ध के क्षेत्र में गाया गया वो हरियाणा में गाया गया। बाकी जगह हो सकता कुछ भी हुआ हो, लेकिन हरियाणा में एक घटना ऐसी हुई है, कुरुक्षेत्र में भगवान ने जो गीता का ज्ञान यहां पर दिया था, वो गीता ऐसा कि इस पे हजारों नोबेल भी पुरस्कार जो है वो वारे जा सकते हैं, और उसको सुनने का और सुनाने का सौभाग्य हरियाणा को मिला। इसलिए हरियाणा को राजस्थान की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत प्रणाम आपको हो। ₹250 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट कैटेगरी में 11th क्लास तक के स्टूडेंट्स का नेम हम अनाउंसमेंट कर चुके हैं। अब 12th क्लास के स्टूडेंट्स को बुलाना चाहेंगे। 12th क्लास अल्फाबेटिक ऑर्डर में ₹250 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट। अंजलि किन्हा, अंश, भूपेंद्र, चिराग सनोफ सतीश कुमार जी और चिराग सनोफ कृष्ण कुमार जी, दीपक, देव सिंह, ध्रुव, दिनेश, हिमांशु कौशिक, कुसुम शोराण, रितिका बगासरा, साहिल जावला, साहिल रोहिल्ला, सुमेघा, सुषमा। जिन जिन लोगों का कैश प्राइज और अवार्ड किट हो गया है, जिन भी लोगों को कैश प्राइजेस, चाहे वो 250 का, 500 का, 1100 या 2100 का था, कैश प्राइज और अवार्ड किट और सर्टिफिकेट्स वाली कैटेगरी के सभी के नाम उच्चारित हो गए हैं, किसी का रह गया हो तो वो एक बार आकर के मन से अपना ग्रहण कर ले। बिल्कुल बता रहे हैं।
देखिए बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी जिन्होंने फर्स्ट स्टेज का एग्जाम दिलवा लिया बच्चों को, सेकंड स्टेज का नहीं दिलवा पाए। अभी भी दो पेरेंट्स मेरे से मिले हैं। तो आपको जब कभी मन हो, कभी राजस्थान की तरफ आना हो, हमारे राजस्थान में तो आप लोग बहुत आते हैं, खाटू श्याम जी आते हैं, बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं, आप सालासर जी आते हैं, तो उस समय सीकर पधारे और आकर के मैट्रिक्स हाई स्कूल में मैट्रिक्स में पधारिए। वहां पर आप अपने बच्चे को कॉम्पिटेटिव एग्जाम कैसे वो फाइट कर सकता है उसका पेपर भी आप अटेम्प्ट करवा सकते हैं। तो जब कभी आपकी बार राजस्थान का आपका दौरा हो तो मैट्रिक्स में आपको बिल्कुल निमंत्रण है, आपका अपना संस्थान है, जब मन करे तब आप पधारिए, स्वागत है आपका। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग लुहारू से, चरखी दादरी से, भिवानी के जिलों में अलग अलग तहसीलों से, गांवों से यहां पधारे हैं, तो आप सबका अभिनंदन भी है। आपको हो सकता है कि थोड़ी असुविधा भी हो रही होगी। हमने ये सिस्टमेटिक ऐसे रखा कि हर क्लास वाइज और अल्फाबेटिकली हमने नाम रखे हैं। जैसे फिफ्थ क्लास है तो फिफ्थ क्लास में अल्फाबेटिकली नाम सबसे पहले जिनको कैश प्राइज वाली कैटेगरी थी, उसके बाद में अवार्ड किट वाले हैं, उसके बाद में मोमेंटो वाले हैं। तो ऐसे करके थोड़ा सा धैर्य आपको और रखना पड़ेगा, और मैं जानता हूं कि इतनी धैर्य के साथ में आपने पूरे प्रोग्राम को सुना भी है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल अद्भुत बात है। और इस भिवानी के एक्सपीरियंस को, इस अनुभव को हम सब लोग लेकर के जाएंगे, और नियमित रूप से आपका और हमारा संवाद भी बना रहे, इसलिए आप जब भी कभी राजस्थान आए तो मैट्रिक्स आपका स्वागत करता है, वहां पर पधारें आप। आप अपना इधर बाई ओर आकर के अपना जो भी कैटेगरी है अपना नाम उसका वेरिफिकेशन करवा लें, उसके बाद में चेक्स जैसे हमने कहा था बाहर आपको अपने नाम के साथ में मिलेगा, सर्टिफिकेट पे नाम आप अपना सही लिखवा करके लेके जाएं। किसी भूलवश चेक में गलत नाम लिखा गया या कोई दिक्कत भी हो गई तो वो चेक आप वापस देंगे, आपको दूसरा चेक भिजवा दिया जाएगा, उसमें बिल्कुल निश्चिंत रहें। जिन बच्चों के कैश प्राइजेस है उनका बैंक में अकाउंट खोली जाएगा, तो बच्चों के लिए भी एक नई बात हो जाएगी। बहुत सारे छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनका भी बैंक अकाउंट नहीं था, उनका भी बैंक अकाउंट बैंक्स खोलते हैं, उस चेक के बेसिस पर भी आप उसको ओपन करवा सकते हैं। कोई भी असुविधा हो तो हमारी टीम है, वहां से जाकर के आप मिल सकते हैं, उनसे भी आपको समाधान मिलेगा। कैश प्राइज टोटल जितने भी कैश प्राइज की कैटेगरी थी प्लस अवार्ड किट के कैटेगरी के जो विनर स्टूडेंट्स थे उन सारे स्टूडेंट्स के नेम हम अनाउंसमेंट कर चुके हैं, फिफ्थ क्लास से लेकर ट्वेल्थ तक सारी कैटेगरी 2100 से लेकर 250 तक। किसी कारणवश या भूलवश कोई स्टूडेंट्स अगर रह गए हैं तो वो अपना नेम वेरीफाई करवा के और मंच पे आए। चेक अगर आपका नाम चेक जो अकाउंट में नाम है उसे थोड़ा सा भी अगर डिफरेंट है तो बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, आप अपना और पूरी कंप्लीट डिटेल उस चेक के पीछे नोट करवा दें और आपको और दूसरा चेक आप आपको कोई देर कर देंगे। सर्टिफिकेट पे नाम आप लिखवाते रहें, अपने नेम की प्रॉपर स्पेलिंग बताएं। कैश प्राइज के बाद में जो नेक्स्ट अवार्ड की जो कैटेगरी है वो अवार्ड किट है, अवार्ड किट प्लस सर्टिफिकेट। हमने मैसेज भी भेजा था, फोन भी किया था। अवार्ड किट, ओनली अवार्ड किट प्लस सर्टिफिकेट की कैटेगरी के जो विनर स्टूडेंट्स हैं उनको हम फिफ्थ क्लास से, देखिए स्कॉलरशिप जो आपको मैसेज में आया था, स्कॉलरशिप जो मिलेगी आपको मैट्रिक्स के किसी भी करिकुलम में एडमिशन लेने पे आपको जो फीस जो होगी उसमें से छूट होगी। स्कॉलरशिप का यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए उसके बदले में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी अवार्ड किट प्लस सर्टिफिकेट क्लास फिफ्थ से अल्फाबेटिक ऑर्डर में, हिमांशी फोगाट, कनक, लक्ष्य, निकिता यादव, पलक यादव, रिया शर्मा, सिमी, सौम्य गोयल, तन्वी कौशिक, ये क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अवार्ड किट प्लस सर्टिफिकेट जीता है। फिफ्थ के बाद में क्लास सिक्स, उमेश शर्मा ये क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट थे, आदित्य शेखावत, हंसिका गुप्ता, हिमांश भाटिया, कनिका, लक्ष्य सांगवान, नितिन सक्षम, शिवम वशिष्ठ,
सोमिल तिवारी, वंदना कलकल, यश पहल, यश तक्षक, ये क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स हैं। ये सारे स्टूडेंट्स अवार्ड किट प्लस सर्टिफिकेट के विनर हैं। क्लास सिक्स के बाद में क्लास सेवंथ अंतिम चंदन, हिम्मत सोनी, कुणाल माधव, मुस्कान कश्यप, निखिल, प्रतीक, रितेश, साक्षी पुनिया, तनिष, सेवंथ क्लास के स्टूडेंट्स, फिफ्थ से लेकर सेवंथ तक हम लोग अनाउंसमेंट कर चुके हैं। क्लास एट्थ पीयूष, प्रगति, संगीता सांगवान, डॉक्टर श्रीमान जी समुद्र सिंह जी, क्लास एट तक के नए अनाउंसमेंट हो चुके हैं जो स्टूडेंट्स अवार्ड किट प्लस सर्टिफिकेट की कैटेगरी में है। क्लास नाइन्थ आशीष, दीपांशु, हिमांशु, जिज्ञासा, मयंक गुप्ता, नितिन, परवीन, राहुल कुमार, रोहित शर्मा, सौरव, यशवर्धन विजय, अवार्ड किट कैटेगरी के जो विनर स्टूडेंट्स हैं क्लास नाइन्थ तक हम अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तालियां ना बजाने के लिए हमने तो नहीं कहा था, जोरदार तालियां बजाते रहिए, नंबर आपका भी आना है। क्लास नाइन्थ में आशीष, दीपांशु, हिमांशु, जिज्ञासा, मयंक, नितिन, प्रवीण, राहुल कुमार, रोहित शर्मा, सौरव, यशवर्धन विजय। नाइन्थ के बाद में क्लास टेंथ जिस प्राइज के कैटेगरी के आप विनर हैं वो आपको एसएमएस भी किया गया था, आपने वेबसाइट से जब रिजल्ट देखा था तो रिजल्ट में भी शो किया था, और उसके बाद में आपको मोबाइल फोन पे भी आपको ये क्लियर बताया गया था कि आप किस कैटेगरी के विनर हैं। अभी हम अवार्ड किट के जो कैटेगरी के विनर स्टूडेंट्स हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं। क्लास टेंथ आदित्य, अंशिका, लक्की गर्ग, मयंक, मुकुल शर्मा, मुस्कान खत्री, पारुल चौधरी, प्रिंस यादव, स्वाति, तमन्ना सांगवान, क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स का, टेंथ क्लास के स्टूडेंट का नाम हम अनाउंसमेंट कर चुके हैं।
क्लास टेंथ के बाद में क्लास इलेवंथ क्लास के स्टूडेंट्स जो अवार्ड किट के कैटेगरी के विनर हैं, अंकुर चौधरी, अनु, अतुल फोगाट, दीपिका, महक, मयंक, नवनीत, निकिता, नोनू, पुरुषोत्तम, राधिका, साहिल सन ऑफ अजय कुमार जी, साहिल सन ऑफ विजेंद्र सिंह जी, साक्षी जाखड़, सानिया, इलेवंथ के बाद में क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स जो अवार्ड किट की कैटेगरी के विनर हैं, जतिन कुमार, ज्योति, कशिश, ललित, नरेश कुमार, प्रवीण कुमार, रमजान, सचिन सनोप विष्णु कुमार, सचिन सनोप श्रीमान राजेश कुमार, संगीता भुक्कल, सतनाम, विवेश। अवार्ड किट की कैटेगरी के जो विनर स्टूडेंट्स हैं, जो आपको रिजल्ट जब आपने देखा होगा तो रिजल्ट पे भी हमने शो किया था और आपको कॉल करके भी कंफर्म किया गया था, अवार्ड किट कैटेगरी के विनर जो स्टूडेंट्स हैं फिफ्थ क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक सारे स्टूडेंट्स का नेम हम अनाउंसमेंट कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट का नाम हमने अनाउंस किया और आपने नहीं सुना या फिर आप उस टाइम में यहाँ पे नहीं थे तो आप वेरिफिकेशन काउंटर जो बाईं तरफ है वहां पे जाके अपना नाम वेरीफाई करवा के और प्लीज अपना प्राइज ले मंच पे आके। कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट और अवार्ड किट के बाद में नेक्स्ट जो कैटेगरी होगी हमारी मेमेंटो प्लस सर्टिफिकेट। जो स्टूडेंट मेमेंटो की कैटेगरी में आए हैं उनको मेमेंटो प्लस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा।
प्रतिभा सम्मान समारोह में नेक्स्ट जो कैटेगरी है जिनको हम सम्मानित करेंगे स्टूडेंट्स को, जो मेमेंटो प्लस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस की कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स आए हैं उन बच्चों को फिफ्थ क्लास से हम लोग शुरू करेंगे बुलाना और अल्फाबेटिक ऑर्डर में। आपकी तालियां कम बज रही है, स्टार साइंस के कोई भी स्टूडेंट्स मत जाइएगा, यहीं रहिएगा सब। स्टार साइंस एकेडमी जो है उनके स्टूडेंट्स कहीं ना जाएं, यहीं रहें। सोनू सर की रिक्वेस्ट है ये। मेमेंटो प्लस सर्टिफिकेट, मेमेंटो प्लस सर्टिफिकेट की कैटेगरी में क्लास फिफ्थ से हम बुलाना चाहेंगे, क्लास फिफ्थ से दिव्यांशु, दृष्टि, खुशबू, एक ही स्टूडेंट है, इन्होंने नाम अपना गलत रखा, हिमांशु भूरिया, पिताजी का नाम मिस्टर दिनेश है, खुशबू, ऋषभ कौशिक, वंश, ये क्लास फिफ्थ के थे। क्लास फिफ्थ के बाद में क्लास सिक्स, अंश कुमार, अनुभव दैया, चिराग, कोमल जल्ला, निशांत बुरा, वीर थक्कन, वीरेन सिंह, क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स मेमेंटो। किसी भी पेरेंट्स की स्टूडेंट्स की कोई भी क्वेरी है तो वो वेरिफिकेशन काउंटर पे हमारे जो साथी हैं, जो हमारे स्टाफ बैठे हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। मेमेंटो प्लस सर्टिफिकेट के जो विनर स्टूडेंट्स है क्लास सिक्स तक अनाउंसमेंट कर चुके, क्लास सेवंथ में आशीष सांगवान, अंजलि, हिमांशु, जतिन कासना, माही, मेहुल, नीरज कुमार, प्रदीप परमार, पुनीत कुमार, राहुल वालिया, सक्षम, वदिक, योगेश, मेमेंटो प्लस सर्टिफिकेट के कैटेगरी के जो विनर स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को हम इनवाइट कर रहे हैं सम्मानित करने के लिए। मंच पे पहुंचे अल्फाबेटिकली, क्लास वाइज अल्फाबेटिकली हम लोग नाम अनाउंसमेंट कर रहे हैं। क्लास सेवंथ के बाद में क्लास एट में आरती, अरुण, इन्होंने नाम गलत लिखा है, इनके पिताजी का नाम सुरेंद्र सिंह है, अर्पित, दीपांशी, गौरव जाखड़,
इशिता, ईशु यादव, जयति सिंह, मुस्कान, नकुल, नामी फोगाट, निधिका, इनके पिताजी का नाम बिजेंद्र सिंह जी है, बिजेंद्र जी भिवानी से हैं ये, निखिल परमार, निकिता सिहार, नितिन सैनी, पायल सैनी, प्रिया, राधिका राठी, रिया कलकल, वंशिका लांबा, क्लास एट के स्टूडेंट्स का नाम अनाउंसमेंट कर चुके हैं। मेमेंटो प्लस सर्टिफिकेट के जो विनर स्टूडेंट्स हैं क्लास एट तक हम नाम अनाउंसमेंट कर चुके हैं। क्लास नाइन्थ आदित्य, अनु, अंतिम, भावना, चंचल, दीपांशु, देव, दीपांशु, सन ऑफ कपिल, हिमानी कौशिक, इशिका, जगमोहन सोनी, कशिश, खुशी, कोमल, लुकेश चौरान, मानवी, मीनाक्षी, मुस्कान, नैना, नक्ष चौरान, नितिन कुमार तनायन, पंकज कुमार, पायल, प्रिंस सांगवान, प्रिया कटारिया, पूर्वा, इनके पिताजी का नाम संदीप कुमार जी हैं, ऋत्विक, रिया यादव, साक्षी डॉटर ऑफ हरिमोहन जी, सिद्धांत, स्नेहा, सुमित, स्वीटी बामल, टीना, वंश वरवर, विकांशु, हरिमोहन, साक्षी, शक्ति, पिताजी का नाम हरिमोहन जी। मेमेंटो प्लस सर्टिफिकेट की कैटेगरी के जो विनर स्टूडेंट्स है क्लास नाइन्थ तक अनाउंसमेंट कर चुके हैं। स्टार साइंस एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहीं रहे, सोनू सर की रिक्वेस्ट है सारे बच्चों के लिए। उनसे बुलवा दो ना, नीचे जो खड़े हैं। क्लास नाइन्थ तक के स्टूडेंट्स को हम अनाउंसमेंट कर चुके हैं नाम। पांचवी से लेकर नौवीं तक के विद्यार्थी, अगर आप अपना नाम नहीं सुन पाए या फिर अनाउंसमेंट करते वक्त आप यहां पे नहीं थे तो आप वेरिफिकेशन काउंटर पे जाके अपना नाम वेरीफाई करवा के और इनको अपने बच्चों को प्राइज दिलवाएं स्टेज पे आके। प्राइज होता है, प्राइज कोई छोटा बड़ा नहीं होता, केवल आप मेमेंटो और सर्टिफिकेट को भी हल्के में ना आके, तालियां इनके लिए भी कम नहीं होनी चाहिए। नाइन्थ क्लास के बाद में क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स, जिस क्लास का अनाउंसमेंट हो वही क्लास वेरिफिकेशन काउंटर पे जाएं।
ये आपके अपने बच्चे हैं, अपनों के बीच में ही इतने बड़े मंच पे सम्मानित हो रहे हैं। तालियां बिल्कुल आपको इनको मोटिवेट करेंगी। क्लास नाइन्थ के बाद में क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स को हम बुलाएंगे। अल्फाबेटिक मेमेंटो प्लस सर्टिफिकेट की कैटेगरी के जो विनर स्टूडेंट्स हैं उनको फिफ्थ क्लास से लेकर नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स को के नाम हम अनाउंसमेंट कर चुके हैं। किसी कारणवश या भूलवश आप अपना नाम अगर नहीं सुन पाए हैं तो आप वेरिफिकेशन काउंटर पे जाके अपना नेम वेरीफाई कराएं और स्टेज पे आके सम्मानित हो, जिसको आप डिजर्व करते हैं। हमारे गेस्ट के लिए भी जोरदार तालियां। डीएसपी साहब लगातार अपना समय दिए हुए हैं, बहुत वक्त। मैडम विष्णु सर, सरपंच साहब, सोनू सर, सबके लिए जोरदार तालियां। डीएसपी साहब ने यहाँ पे पधार के जो हमें मैट्रिक्स परिवार को अनुग्रहित किया है, हम आभारी हैं डीएसपी साहब के। अगर आपके चेक के ऊपर नाम अगर वो नहीं है, थोड़ा गलत है जो आपके बैंक अकाउंट में है, तो पूरी डिटेल आप चेक के पीछे लिख के दे दें, हम आपको चेक कोरियर कर देंगे आपके घर पे एड्रेस पे। नाइन्थ क्लास के बाद में क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स जो मेमेंटो प्लस सर्टिफिकेट की कैटेगरी के विनर हैं, टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स अल्फाबेटिक ऑर्डर में हम बुलाना चाहेंगे। अंजू, आर्यन, बबीता, चिराग, चित्रे सांगवान, दीपेश, दीक्षा, दीपांशु, दिव्यांशु शर्मा, हर्ष, हिमांशी, जतिन, काफी अजरीवाल, कशिशी सैनी, केतकी, खुशी सोनी, किरण यादव, कृष कुमार, लक्ष्मी गुप्ता, लोकेश चौराण, लोकेश कुमार, मनीष, ये सारे टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो मेमेंटो प्लस सर्टिफिकेट की कैटेगरी के विनर हैं। मुस्कान, नवीन, नीतीश, प्रिंस, प्रिंस पनिहार, राधिका, राघव बंसल, रितिका, रितु कुमारी, रोहित ईश्वरवाल, रोहित लांबा, साहिल, साहिल सनोब सुभाष, संगीता, शशि तनानिया, शीतल,
सुमित कुमार, सुरक्षा कटारिया, तनिष बरार, तनु जाखड़, उज्जवल भारद्वाज, वंदना यचिका जांगड़ा, टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स का नेम अनाउंसमेंट कर चुके हैं। मेमेंटो प्लस सर्टिफिकेट की कैटेगरी के स्टूडेंट्स, पांचवी से लेकर दसवीं तक के स्टूडेंट्स का नेम अनाउंसमेंट कर चुके हैं। अगर किसी कारणवश या भूलवश आप अपना नाम नहीं सुन पाए हैं तो आप वेरिफिकेशन काउंटर पे जाके अपना नाम वेरीफाई करवाएं और अपना अवार्ड मंच से ग्रहण करें। टेंथ के बाद में इलेवेंथ क्लास के स्टूडेंट्स जो मेमेंटो प्लस सर्टिफिकेट की कैटेगरी के विनर है, इलेवेंथ क्लास के स्टूडेंट्स देवांशी, कार्तिक, मुस्कान, ओजस्वी, पूजा, राहुल पुनिया, संदीप, सुनाम सिंह, सनी, विशाल, इलेवेंथ क्लास के स्टूडेंट्स इलेवेंथ के बाद में ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स को हम इनवाइट करेंगे मंच पे। इलेवेंथ के बाद में ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स जय कुमार, मुस्कान लांबा, रेणु शोराण, रितु चहल, साहिल बलवाड़ा, तनिषा, योगेश, आज आपने तालियों में बहुत कंजूसी की है, अब उसकी पूर्ति कर दीजिए। कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। मेमेंटो प्लस सर्टिफिकेट की कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। फिफ्थ क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास सारे स्टूडेंट्स का नाम अनाउंसमेंट कर हो चुका है। किसी कारणवश या भूलवश आप नेम नहीं सुन पाए या आप यहाँ पे नहीं थे तो आप वेरिफिकेशन काउंटर पे आके अपना नाम वेरीफाई करवा के स्टेज पे आके अपना अवार्ड ले, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। हमारे सभी गेस्ट के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने इतना बेशकीमती वक्त निकाल के मैट्रिक्स परिवार को दिया और अपने बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप आशीर्वाद देने के लिए मंच पे लगातार निरंतर बने हुए हैं। मैट्रिक्स परिवार अतिथियों का बहुत बहुत आभारी है। सबके नाम उच्चारित कर दिए गए हैं और अब जिन किसी का भी नंबर रह गया हो
या जिनका भी नाम नहीं आया वो आकर के अपना वेरिफिकेशन करवा लें। जितने भी बच्चे थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, सारी कैटेगरीज में सभी का नाम यहाँ से बोल दिया गया है। ये बेटा वहीं पे, वहां वहां चेक करेंगे वो आपको, वो करेंगे वहां पर जाकर के, वो पैनल है, एक्सपर्ट्स है, उनकी टीम है, उनसे चेक करवाएं। और जिन भी बच्चों ने अभी अपना अवार्ड ले लिया है, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमने एग्जाम दिया अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ तो केवल फोन भर आने से नहीं होगा, आपको वहां से अवार्ड चेक करवा करके फिर आना पड़ेगा। बेटा आ गया जी, भवानी और चरखी दादरी दोनों जिलों का ये आज का जो प्रतिभा सम्मान समारोह था वो अपनी पूर्णाहुति की ओर है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कोई और है 10-5 मिनट और है, कोई दिक्कत नहीं, इतना समय हुआ तो फिर 5 मिनट तो और लगाएंगे। सभी लोगों से अनुरोध है अपना इनाम चेक करवा करके फिर वहां से वेरिफिकेशन करवा करके फिर आगे की ओर बढ़े। इस कार्यक्रम में जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ सम्मिलित रहे सभी लोगों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।